नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारगतेन मयं कतं सब अपराधं खमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारकतेन मयं कथं सब अपराधं खमतु मे भन्ते ततीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारकतेन मयं कतं सब अपराधं खमतु मे भन्ते ओकास अहं भन्ते श्रीशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं यामि अनुग्रहकत्वा शीलदेतमे भन्ते द्वितीयम्पि अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहकत्वा शीलदेतमे भन्ते ततीयम्पि अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहकत्वा शीलदेतमे भन्ते भद्द जी आवाज आवाज थोड़ा सा अनम्यूट करा। हाँ अनम्यूट करा। यमहं वदामि तं वदेथ आं भन्ते अरहं सम्मा संबुद्धो अरहं सम्मा संबुद्धो बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि बुद्धं अभिवादेमि स्वाख्यातो भगवता धम्मो स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंघो सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंघो संघं नमामि संघं नमामि नमोतस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमोतस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमोतस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो
सम्मा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो भगवतो अर्हतो बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता पाणातिपाता वीरमणि, वेरमणि शिक्षापदं शिक्षापदं समादियामि, समादयामि, अदिन्नदाना वीरमणि, शिक्षापदं समादयामि, शिक्षापदं समादियामि, कामेषु कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि, मिच्छाचारावीरमणि, शिक्षापदं समादियामि, शिक्षापदं मूसावादा वीरमणि, समादयामि, शिक्षापदं समादियामि, सुरामेरयमचपमदठानावेरमणि, सुरामेरयमजपमादठाना वीरमणि, शिक्षापदं समादयामि, शिक्षापदं समादियामि, एमानि पञ्चशिक्षापदानि शीलेन सुगतिं यन्ति, शीलेन भोगसंपदा, शीलेन निवृत्तिं यन्ति, तस्मा शीलं विशोधये। आम्भन्ते साधु 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 साधु, साधु बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं धम्मं नमामि, नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। अहं वदामि सर्वदा भन्ते। लेट मी अनम्यूट एवरीबडी फर्स्ट। या बंते जी अनम्यूट करा प्लीज, अनम्यूट करा। ओके, तो अभी त्रिशरण पंचशील हम लोगों ने ग्रहण किए हैं। अभी आज का जो विषय है आपको पता है, बुद्ध धम्म में कार्य कारण भाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, उसके ऊपर हम लोग आज इस विषय के ऊपर हम लोग बंती से देशना सुनेंगे। इसके पहले आर्य सत्य के बारे में हमने सुना, आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में सुना, देन कर्म सिद्धांत जो है बुद्धिज्म का वो क्या है उसके बारे में हमने सुना बंती से।
अभी आज का ये चौथे उस कड़ी में ये चौथा प्रोग्राम है, चौथा एक सेशन है जिसमें हम लोग कॉज एंड इफेक्ट के बारे में सुनेंगे। इसके बाद में जैसा कि मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि पारमिता के बारे में हम बात करेंगे, देन रिबर्थ जो है वो लास्ट में होगा, उसके पहले विपश्यना के बारे में भी है, और कुछ हमारे साथ जो जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी सजेशन आया था, उनका भी हमने ध्यान में रखा है, तो वो सारे विषय जो है वो हम लोग उसमें इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों का ये था कि धम्म का प्रचार प्रसार, जो बाबा साहब की जो कल्पना थी कि बुद्धमय भारत बनाने का, वो उसके बारे में भी कैसे करें उसके बारे में भी थोड़ा विचार मंथन की जरूरत है, ऐसा लोगों का तो कहना था। दूसरा, धम्म में महिलाओं का विशेष जो कार्य है उसके बारे में भी मैडम रेखा आनंद जी ने एक गुजारिश की थी कि इस विषय के ऊपर एक एक प्रोग्राम होना चाहिए, तो वो भी हमने ध्यान में रखा है। सब तो बुधाएंगे के बारे में भी हम रिक्वेस्ट किया था, तो वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज का जो विषय है जो हमारा उसके बारे में हम लोग अभी बनते से देखना लेंगे। हम लोग इस कार्यक्रम में जो नए जुड़े हैं उनको ये उनके नॉलेज में बताना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो ऑल इंडिया SC ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ONGC के माध्यम से हम लोग आयोजित कर रहे हैं। पिछले अगस्त से हम लोग शुरू किया है ये कार्यक्रम, अब ये मेरे ख्याल से पांचवा महीना है ना, तो कंटिन्यूअसली वी आर डूइंग इट, नॉट ओनली धम्म देशना, धम्म के बारे में, बाबा साहब के बारे में, बाकी एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, एम्प्लॉयज का जो इश्यू है उसके ऊपर भी हम लोग कर रहे हैं। आज डॉक्टर हेमंत त्रिपुरी जी का कार्यक्रम हुआ सुबह, और पूरा जो हमारा समय है लॉकडाउन का इसी में व्यतीत हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि इसमें जो नॉलेज जो मिलता है वो ये उसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है वो, है ना। तो अभी मैं बंते जी को निवेदन करता हूँ कि बंते जी ये जो एक एक चीज, उसके पहले कि बंते जी अपनी देशना प्रारंभ करें, हमारे जो BPCL की टीम है उनको बहुत बहुत हम साधुवाद देना चाहते हैं। वो अनिल मेढे जी जो है और कैप्टन बर्वे साहब, इनके प्रयत्नों से करीबन मेरे ख्याल से 25 शायद जो पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं जिन्होंने ये जो कर्जत की जो सेमिनरी है उसके लिए उन्होंने अपना दान दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 25,000 ईच, उसमें से एक ने तो 1,100 कुछ है। जो हमारे एक मित्र है ONGC में, मेरे एसोसिएशन में है, ही इज और सेक्रेटरी मिस्टर रघुनाथ कारगांवकर, उन्होंने परसों 5,000 का, इसमें 5,101 का एक उसमें अपना दान भी इसमें उन्होंने ट्रांसफर किया हुआ है। तो साथियों, सभी का हाथ भार इसमें लगेगा, सभी का सहयोग इसमें मिलेगा, हाथ भार मराठी, ओके, इसमें सहयोग अगर मिलेगा तो ये काम जो है वो जल्दी से जल्दी हम लोग पूरा कर पाएंगे। तो तुमसे हाथ भार पण ह्याला हसू द्या, ये लक्षात ठेवा, ओके। नाउ आई रिक्वेस्ट बंते जी, आजच्या देशाला प्रारंभ करू शकता, बंते जी गो अहेड प्लीज। सभी भाई और बहनों, आज हम तथागत बुद्ध की एक बहुत ही गंभीर शिक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। एक कहानी है बुद्ध धर्म के इतिहास में, प्रत्यक्ष घटी हुई बुद्ध के जमाने में। ये सारी पुत्र मुगलान जो बाद में भगवान बुद्ध के अग्र शिष्य बने, दाया और बाया हाथ बने, सारी पुत्र को तो धर्म सेनानी भी कहा जाता है। इतना ज्ञान उन्होंने पाया, इतना अधिकार उन्होंने प्राप्त किया। वो पहले श्रावस्थ में जिससे मिले वो बुद्ध का एक श्रावक भिक्षु था, यानी अर्हत भिक्षु था, जिसका नाम असजी था।
अश्वजीत हम कहते हैं पाली में अश्वजी, और ये अश्वजी बड़े ही शांतिपूर्वक धीरे धीरे बस्ती से गुजरते हुए अपने अन्न की दीक्षा लेते हुए, और जब ये समाप्त हुआ तब वो शहर के बाहर गए, एक पेड़ के नीचे बैठे और वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना भोजन किया। ये सब होते हुए उस वक्त ये सारी पुत्र उनके पीछे से जा रहा था, उनका नाम उपतिष्य था, तो उपतिष्य उनके पीछे से जा रहा था, देख रहा था कि ये श्रवण बिल्कुल अलग ढंग से व्यवहार कर रहा है, उसकी चाल जो है वो अलग है, उसका व्यक्तित्व है वो अलग है, ये बहुत गंभीर भी है, बहुत शांत भी है, बहुत संयत है, नियत है, निश्चय ही इसके गुरु कुछ खास होंगे तभी इस प्रकार का कुछ श्रवण मैं देख रहा हूँ। तो जिज्ञासा पैदा हुई और उनके पीछे पीछे चलते गए, और जब अस्य जी का भोजन समाप्त हुआ तब उनके पास पहुँच कर उन्होंने पूछा कि भाई तुमको देखकर तो मैं बहुत प्रसन्न हो, क्या बता सकते हो कि तुम किसके शिष्य हो, तुम्हारे गुरु कौन है और उन्होंने क्या शिक्षा दी है। तो ये अस्य जी था तो अर्हत, उस ज्ञान को उन्होंने पाया था, लेकिन शिक्षा देने में कोई माहिर आदमी नहीं था। तो उसने कहा देखो भाई मैं तो नया नया शिष्य हूँ, बुद्ध ने जो कुछ शिक्षा दी मैंने तो पाई है मेरे गुरु से, लेकिन मैं सबको आपको बता नहीं सकता, मुझे थोड़ा सा संक्षिप्त में जो आता है वही मैं आपको बता दूंगा, उससे काम चला लो। और उसने गाथा कही, ये धम्मा हेतु पभवा ते संग हेतु तथागत अहा ते संचयो निरोधो च एवं वादी महासमनो। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ होता है घटित होता है अपने जीवन में और आपके जीवन के बाहर में भी, ये सभी कारणवश होता है, ये सभी का कोई प्रत्यय है, कुछ कारण है, और ये कारण जो है और उस कारण को नष्ट कैसे किया जाता है, उसका निरोध कैसे किया जाता है, उसको रोका कैसे जाता है, इस सभी धर्मों का जो निर्माण होता है जिन कारणों से उनको कैसे रोका जाता है, ये कारण भी हमारे गुरु ने जाने हैं, तथागत ने जाने हैं, और उनका निरोध भी जाना है, और वही शिक्षा उन्होंने हमको दी है। बस इतने ये दो बात उपतिष्य को तत्काल ज्ञान हुआ है ये कहीं सच है, ये सच्चाई का आज तक पता नहीं था लेकिन ये सत्यवाणी कह गया, और फिर उसने के आभार प्रदर्शित किए और वो अपने मित्र की खोज में गया जो कोली नाम का दूसरा मित्र था उसका, और दो रोड में बुद्ध से दीक्षा ग्रहण कर ली। वो संजय नामक का सन्यासी का शिष्य था, तो वो और उनके साथ कहते हैं कि 500 अन्य शिष्य संजय के सब मिलकर बुद्ध के पास गए और वहां पर वो प्रवज्जित हो गए, यानी बुद्ध के शिष्य हुए और संजय को उन्होंने त्याग कर दिया। ये वास्तविक ये दो पंक्तियां जो है बुद्ध के उपदेश के, बनते जी ये धम्मा ही तो पभवा बनते जी। हाँ आवाज आला का ही तो वॉल्यूम पर बगावर कमी है का वाढ़ोता का वॉल्यूम। हेलो हाँ अपने पार्टिसिपेंट से तो कंप्लेंट है कि आवाज तेना व्यवस्थित येत नहीं है का। हेलो हाँ आवाज येतो म्हणा पण वॉल्यूम कमी वाटतो असं म्हणजे। हेलो हाँ ना अभी 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 बढ़िया है, अभी बढ़िया यस। तो ये जो दो पंक्तियां बहुत ही अर्थपूर्ण है और बुद्ध दर्शन का ही नहीं लेकिन सभी प्राणियों के अस्तित्व के
सच्चाई का उद्घाटन इन दो पंक्तियों में हुआ है। बुद्ध ने यही उस वक्त जाना 2500 वर्ष पहले, और तब मानव जाति को ज्ञान नहीं था कि कारणों के कारण ही परिणाम निकलते हैं, कारणों के कारण ही कुछ घटित होता है, जो निर्माण होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण होता है, ये ज्ञान किसी को नहीं था। और इसलिए उस वक्त का समाज जो है, जो मानव प्राणी थे, वो अपने दुख से मुक्त होने की बात तो कहते थे, उससे मुक्त होने का प्रयास भी करते थे, लेकिन कारण तो नहीं जानते थे। दुख किसी कारणों से निर्माण होता है किसी को पता ही नहीं था, और क्योंकि कारणों का ही पता नहीं था तो उससे मुक्त होने का मार्ग भी किसी को दिखाई नहीं देता था। तो इसलिए लोगों की ये कल्पना हुई कि सुख जो है, दुख जो है, ये कोई बाहरी शक्ति प्रदान करती है, ईश्वरीय शक्ति प्रदान करती है, जो हमारे बस में नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पाते। तो ये अज्ञान था, क्योंकि कार्य कारण भाव जो है, जिसका ज्ञान मानव जाति को नहीं था, और इसलिए पुराने सभी धर्मों में इस अज्ञान के कारण एक बहुत भारी कमी रही है। कौन सी कमी रही है? कमी ये रही है कि जो दुख है, जो कुछ हमारे आसपास होता है, ये सभी बातें, सभी परिणाम जो हैं, जिसको पाली में धम्म कहा गया है, तो ये धम्म जो है, इनके पीछे कुछ कारण हैं, कुछ प्रत्यय हैं, प्रत्ययों के कारण इसका निर्माण होता है, इसका ज्ञान नहीं है। और ये प्रत्यय अगर हमने जाने और उनमें कुछ बदलाव किया, उनको रोकने का प्रयास किया, तो परिणाम भी रुक जाता है। तो जिसे हम विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं, मॉडर्न साइंस कहते हैं, मॉडर्न साइंस का एक मूलभूत तत्व है जो बुद्ध ने 2500 साल पहले जाना, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। और इसलिए कभी कभी बुद्ध को मानव जाति के आद्य वैज्ञानिक कहा जाता है, सर्वप्रथम वैज्ञानिक, द फर्स्ट साइंटिस्ट इन ह्यूमन रेस, ये बुद्ध के बारे में आजकल लोग कहते हैं। तो इन दो पंक्तियों को जिसने जाना, वो बुद्ध को नकार नहीं सकता, बुद्ध के स्वीकार किए बगैर रह नहीं सकता, और इस शिक्षा का प्रत्यक्षात अनुसरण करते हुए अपने मुक्ति को, अपने सुख को पाए बगैर नहीं रह सकता। इतनी ताकत इन दो पंक्तियों में है, और यही जो दो पंक्तियों में सिद्धांत लिखा गया है, इसको ही कहते हैं कार्य कारण भाव, लॉ ऑफ कॉजेशन आज की भाषा में कहते हैं, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी कहते हैं, कॉजल इफेक्ट थ्योरी भी कहते हैं, वैसे अलग नाम से हम इस तत्व को जानते हैं, इट्स अ लॉ ऑफ कॉजेशन। और ये विज्ञान का मूलभूत तत्व ज्ञान है, मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत सच्चाई है, और इसी आधार पर ही सब वैज्ञानिक खोज हुई है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, और मनुष्य जाति के जीवन में इतना सारा, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी मनुष्य जाति ने, उतना सारा परिवर्तन इस विज्ञान युग के कारण संभव हुआ है। और इस विज्ञान का ये मूल तत्व बुद्ध ने सर्वप्रथम जाना, और उस तत्व को अपना कर ही मनुष्य जाति को संदेश दिया कि तुम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हो, ये तुम्हारे हाथ अधीन है, तुम्हारे हाथ में है। सुख ना तो बाहर से आता है, ना तो और कहीं से पैदा होता है ऑटोमेटिक, ये तो तुम्हारे पास ही, तुम्हारे किए करने से होता है, उसके कुछ कारण हैं, उसके परिणाम ही है सुख और दुख के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस वैज्ञानिक सिद्धांत को बुद्ध ने सामने रखा और लोगों को ये चैलेंज किया, उन्होंने आह्वान दिया कि भाई मेरी मानो, और मैंने जो कुछ कहा है उसके अनुसार करके देखो, तुम निश्चय ही मेरे जैसे ही बुद्ध बन जाओगे, दुख मुक्त बन जाओगे, इसकी गारंटी उन्होंने दी है। तो उनके कहने में कितना दम था, और इतना भारी दम क्यों था, इस बात को आज हम समझ सकते हैं कि साइंस पर विश्वास करने वाला आदमी अंधश्रद्धा में बहकता नहीं जा सकता। साइंस को जो मानता है वो गलत बातें नहीं करेगा, गलत चीजों पर विश्वास नहीं करेगा, जिसका प्रत्यक्षात कोई प्रूफ नहीं है, जानने की कोई
कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से हम प्रत्यक्षात उस अनुभव को पा नहीं रहे हैं, तो ऐसे अनजान चीजों पर, काल्पनिक बातों पर आधुनिक काल में वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाला आदमी कभी विश्वास नहीं कर सकता। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, और बुद्ध के इस कार्य करण भाव का सिद्धांत जो है उसको समझ लेना है। कहते हैं कि बुद्ध का जो बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन हम पाली त्रिपिटक में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को अपने उस अति विशिष्ट एकाग्रता के कारण मन उतना एकाग्र हुआ था, इतना एकाग्र हुआ था कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसको चरम ध्यान की अवस्था कहते, चतुर्थ ध्यान की या पंचम ध्यान की अवस्था कहते, एकाग्रता इसमें इतनी पक्की हो जाती है। तो ऐसी चरम एकाग्रता हुई थी, साथ ही साथ उनके मन के जो विकल्प थे उसमें जो कोई दूसरी रुकावटें थे, उन सभी रुकावटों को उन्होंने दूर कर दिया था। तो ऐसी निश्चल बिल्कुल शांत और एकांत अवस्था में जब उन्होंने अपनी समस्या पर कि सच्चाई क्या है, तो विश्वास ये सुख दुख के पीछे कौन सी सच्चाई है, इसकी खोज करने में अपने मन को लगाया उस ध्यान की अवस्था में, उस समाधि की अवस्था में, तब उनको पहली बार ज्ञात हुआ कि उन्होंने भी जन्म पाए हैं अनंत, अपने ही खुद के पहले जन्मों का ज्ञान उनको हुआ। एक नहीं, दो नहीं, कितने सारे जन्मों को उन्होंने प्रत्यक्ष जाना, अनुभव किया, अरे तो मैंने इतने जन्म पाए हैं, ये अनुभव किया उन्होंने। अब इतने जन्म पाए हैं तो उसके बाद भी फिर भी उनकी साधना चलती रही। फिर दूसरे आम में उनके नजर में आया कि ये जो इतने जो जन्म पाए हैं वो कोई आसानी से नहीं पाई है, ये जन्म के पीछे सूत्र है और उस सूत्र है आर्य सत्य, ये सूत्र है कार्य करण भाव, इससे होने से ये होता है, इसके न होने से वो नहीं होता। इमस्मिन सति इदम होति, भाई ये है प्रत्यय, इस प्रत्यय के कारण ये होता है। इमस्मिन असति इदम न होती न भवती, अगर यही प्रत्यय नहीं हुआ, नहीं रहा, तो कुछ नहीं होता। तो ये संक्षिप्त में हम इसको ही कार्य कारण भाव कहते हैं कि ये कारण है, इसका ये परिणाम है, ये परिणाम नहीं होता अगर ये कारण नहीं होता। इतनी सीधी सी बात है। और इसी सिद्धांत को अगर हम अपने जीवन के हर हर दम हर समय इस सिद्धांत को हमने अपने को लगाया और अपनी ही परीक्षा हमने उस सिद्धांत के आधार पर की, तो हमारे जीवन में जो घटित होता है, जो कुछ निर्माण होता है, जो कुछ अनुभूतियां हम पाते हैं, उन सब के पीछे कारण होते हैं। अगर हम उस कारणों के बारे में सजग होते हैं, उनको जानते हैं, समझते हैं और उनमें सुधार करने की कोशिश करते हैं, जिसके बुरे परिणाम होते हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं, जिनके सही परिणाम होते हैं जो हम चाहते हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो यकीनन हमारे जीवन में सुख बढ़ते जाएगा और दुख खुद कम होते जाएगा। हर दिन ये बदलाव आ सकता है, हर क्षण हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जब हम इस सिद्धांत को सही ढंग से अपनाएंगे, उस पर विश्वास करेंगे और इस सच्चाई को अपने जीवन में प्रत्यक्षात अमल में लाने की कोशिश करेंगे। तो बुद्ध धर्म की सच्चाई कहाँ पर छिपी है? यहाँ छिपी हुई है। और इसलिए दुनिया के सभी धर्मों के सिवा बुद्ध एक ऐसे धर्म संस्थापक हैं जिन्होंने मानव जाति को ललकारा, ये चेतावनी दी कि भाई तुम्हें अगर सत्य खोजना है, सच्चाई जाननी है, तो ये सच्चाई मैंने प्रकट की है,
आओ इसको देखो, यही पश्चथ आओ और देखो, और किस तरह से देखो, पच्चतंग वेदितव प्रत्यक्ष अजमा कर देखो, प्रत्यक्ष करके देखो। आपने इसको अजमा कर देखा, करके देखा, तो मैं विश्वास दिलाता हूं, गारंटी देता हूं कि तुम्हें भी वही अनुभूति होगी जो मैंने पाई, सब दुखों से मैं मुक्त हुआ हूं। इस स्थिति को आप भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपने मेरी इस बात को माना, इसको परखा, इसको आजमाया, तो ये परिणाम निकलने वाला है। तो ये गारंटी दुनिया के किसी धर्म ने किसी आदमी को नहीं दी है। कोई धर्म नहीं कहता कि मैं तुम्हें मोक्ष देने वाला हो, बस तुम्हें मानो। दुविधा ये, और मोक्ष कौन सा है पता नहीं उसका। वहां सभी प्रकार के सुख है कहा जाता है, लेकिन सुख की व्याख्या क्या है ये नहीं कहा जाता। और फिर वो अभी क्यों नहीं मिल रहा। अगर धर्म किसी को सुख देता है तो अभी क्यों नहीं दे पाता। ये सुख की भाषा लगभग सभी धर्म कब करते हैं, तुम्हारे मृत्यु के बाद। अभी जीते जी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये जो बातें हैं जिनका कोई आधार नहीं है, जिनके पीछे कोई कारण परंपरा नहीं दिखाई देती है, ये सब आधी अधूरी बातें हैं, केवल कल्पनाएं हैं। कल्पना से बढ़कर इसका कोई मूल्य नहीं है। तो बुद्ध के सिद्धांत को इस तरह से समझने से हम बहुत भारी उपलब्धि को प्राप्त होते हैं। वो उपलब्धि कौन सी है, तो भाई हम अपने जीवन को उबार सकते हैं, सुख को प्रत्यक्षत अभी इस क्षण पा सकते हैं, सभी बुराइयों से अभी इस वक्त मुक्त हो सकते हैं। ये तो प्रत्यक्षत प्राप्ति है अभी इस वक्त, और ये प्राप्ति अब इस वक्त हो रही है। इससे और बड़ी बात हम जीवन में क्या पा सकते हैं। तो इसलिए बुद्ध की शिक्षा को इस तरह से समझना और इस सिद्धांत को जानना ये बहुत जरूरी है। तो बुद्ध ने चार बातों पर जोर दिया कि देखो दुनिया में दुख है, इसने उस तरह से हर प्राणी दुखी होता है, असंतुष्ट होता है, कुछ पीड़ाएं सह लेता है, तो उसका जीवन जो है सुखमय नहीं है, शांतिपूर्वक नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वो अशांति, दुख, असंतुष्टि इससे और अधिक भरा हुआ है, और उसके बदले में जो शांति जो है सुख है वो कम से कम है। तो ये मनुष्य जाति की सच्चाई है, प्राणी मात्रों के जीवन की सच्चाई है। इस सच्चाई को हमने पहले देख लेना चाहिए कि ये वास्तविकता है, ये झूठ नहीं है, कल्पना नहीं है। और इसमें हम जो दुख सहते हैं वो भी प्रत्यक्षात सहते हैं, वो भी कोई काल्पनिक नहीं है, केवल विचारों का और कल्पनों का खेल नहीं है। और फिर बुद्ध ने इसी दुख का कारण जाना, प्रत्यय है, ये प्रत्ययों के कारण होता है, इसका एक समुदाय होता है, अनेक प्रत्यय एकत्रित आ जाते हैं, उसका परिणाम निकलता है, उस परिणाम को हम या तो सुख कहते हैं या दुख कहते हैं। तो अलग अलग ऐसे प्रत्ययों को मिलकर जो निर्माण किया जाता है, प्रत्ययों से निर्माण होता है, उस परिणाम को ही सिर्फ हम पहचानते हैं, जानते हैं किस तरह से प्रत्यय काम करते हैं और निर्माण कैसे होता है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं। लेकिन प्रत्ययों के कारण, कारणों के कारण परिणाम निकलता है, सिर्फ परिणाम हम जानते हैं, वो सुखदायी या दुखदायी है, हम चाहते हैं उसको या नहीं चाहते, ये तो परिणाम के बारे में हम बात करते हैं। वो कैसे निकलता है, किस तरह से उत्पन्न होता है, किस तरह से प्रत्यक्षात आता है, इसका कोई ध्यान हमें नहीं होता है। और फिर बुद्ध ने ये बात कही है, ये परिणाम जो है कारणों से निर्माण होते हैं, प्रत्ययों से निर्माण होते हैं, जिसके पीछे सबसे बड़ा प्रत्यय उन्होंने तृष्णा कहा है, जो दुख का मूल कारण है। और फिर उन्होंने कहा है कि जो कारणों से निर्माण होता है वो समाप्त भी हो सकता है, उन कारणों को रोकने से उनका निर्माण भी रोका जा सकता है। इदम असति,
अगर इस कारणों को हमने होने नहीं दिया, इदम न होते तो ये नहीं होता, इसके माने परिणाम नहीं होता। इतनी सीधी सी बात बुद्ध ने कही। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं मोक्ष देने वाला नहीं हूं, मैं किसी को प्रसन्न होकर कोई वरदान देने वाली देवता नहीं हूं, मैं एक बुद्ध हूं, परिपूर्ण मनुष्य हूं, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हूं, और ये श्रेष्ठता मैंने अपने बलबूते पर पाई है, प्रयासों के माध्यम से पाई है। अगर आपने वैसे किया तो आप भी मेरे जैसे हो सकते हैं। तो बस मैं सिर्फ आपको मार्ग बतला सकता हूं, आपको शिक्षा दे सकता हूं, उस मार्ग का दर्शन आपको करा सकता हूं, लेकिन उस मार्ग पर चलने की, उस मुकाम पर पहुंचने की जिम्मेदारी तो आपको उठानी पड़नी है। मन आपका है, जीवन आपका है, बाहर से कोई किसी के मन पर कोई परिणाम नहीं कर सकता, किसी के मन पर कोई अधिकार नहीं चला सकता, किसी के मन को कोई जान भी नहीं सकता। इतना ये सीक्रेट है, इतना ये गुप्त है, जिसका पता भी और किसी आदमी को नहीं लगता है, लेकिन जिसका मन है उसको तो अपने मन की जानकारी होती है, वो अपने मन को पहचानता, वही कुछ हद तक वो अपने मन का इस्तेमाल भी करता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सोच विचार करते हुए अपने मन का कुछ हद तक वो मालिक भी है, पूरा पूरा मालिक नहीं है लेकिन कुछ हद तक जरूर है। तो बुद्ध ने इसी सत्य को प्रकट किया है कि तुम औरों से, बाहरी बातों से, बाहरी चीजों से, बाहरी शक्तियों से कौन सी अपेक्षा करते हो जो तुम्हारे कोई काम आने वाले नहीं है। क्यों? कि तुम्हारे दुख सुख जो है तुम्हारे मन से निर्माण होते हैं, और इस मन पर अधिकार जमाने की कोई शक्ति कहीं पर भी विद्यमान नहीं है इस विश्व में, इस दुनिया में। अगर इस सच्चाई को हम समझे तो सभी अंधश्रद्धाएं तुरंत नष्ट हो जाती है, एकदम से खत्म हो जाती है, गुंजाइश भी उसकी नहीं रहती, किसी कल्पना पर विश्वास नहीं कर सकते। तो अंधश्रद्धा अज्ञान से जन्मती है, अज्ञान हम जताते हैं तो पनपती है, अज्ञान हम नहीं छोड़ते तो अंधश्रद्धाएं हमको नहीं छोड़ती, हम उसमें खत्म हो जाते। तो बुद्ध ने पहली बात कही कि इन अंधश्रद्धाओं को हटाना ये आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको इस ज्ञान को समझना जरूरी है, इस सिद्धांत को, कार्यकरण भाव जो है इस सिद्धांत को समझना जरूरी है। इस सिद्धांत को अपने अपनाया, उसको सही ढंग से समझा तो आप निश्चय ही सभी प्रकार के अज्ञान से, अंधश्रद्धाओं से दूर रह सकते हैं। तो ये बुद्ध के इस सिद्धांत का मूलभूत अर्थ है, और इस अर्थ को पश्चिम में रहने वाले बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने भी ठीक ढंग से नहीं जाना है, उनकी भी बहुत गलतियां हो गई हैं, क्योंकि उनका पाश्चिमात्य विज्ञान और बुद्ध का ये विज्ञान, इसमें बहुत फर्क आ जाता है। तो बुद्ध के बारे में जो अंग्रेजी में बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं उसमें से अधिकतर लोग जो हैं, जैसे कर्न है, यूजिस बर्नाफ है, ढालके हैं, और आदि कई विद्वान हैं जिन्होंने बुद्ध धर्म पर काफी कुछ लिखा है, वे बुद्ध के इस मंतव्य को समझ नहीं पाए। उन्होंने ऊपर ऊपर से कारण है कर्म का, कारण है परिणाम है, इसी बात को संभाला, और फिर बुद्ध को बिल्कुल ही ऊपर ऊपर के सिद्धांतों में जकड़ने की कोशिश की है, वो अंदर नहीं जा सकते। बुद्ध का कहना है कि ये बहुत ही अंदर छिपे हुए हैं, मन के अंदर बहुत गहराई में, और इनका एक समुच्चय होता है, एक एक अलग कारण नहीं होता है, समुच्चय होता है, कुछ कारण जो है, प्रत्यय उसको कहा है, प्रत्यय नहीं ये करने वाली, आधार देने वाली, सहायता करने वाली चीजें, उनको प्रत्यय कहा जाता है। तो दुख का निर्माण करने में सहायता करने वाली जितनी भी चीजें हैं, हम आमतौर पर उसको कारण कहते हैं,
लेकिन पाली भाषा में क्या है, वो प्रत्यय है, इसको बढ़ावा देने वाले, उसको हो निर्माण करने वाले, उसके उपज में सहायता करने वाले, वो प्रत्यय होते हैं। तो प्रत्यय का अर्थ कुछ अलग है, जरा ज्यादा गंभीर है, और कारण कहने से हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से सोचने की कोशिश करते हैं। तो इन प्रत्ययों के कारण सब कुछ होता है, और ये सिद्धांत बुद्ध के धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना है। जो लोग बौद्ध हैं, बुद्ध धर्म को अपनाते हैं, अगर वे इस सिद्धांत को समझ में नहीं पाए तो उनका बौद्ध कहलाना बिल्कुल झूठ ठहरता है, उनके कोई काम का नहीं है, वो केवल नाम के वास्ते बात होती है। तो इसलिए बौद्ध बनने की कोशिश करना जरूरी होता है, और किसी को अगर बौद्ध बनना है तो इन सिद्धांतों को अपनाना, इनको पहचानना, उनकी शिक्षा ग्रहण करना जरूरी होता है। और इस तरह से इस शिक्षा को देने की क्षमता रहने वाले प्रचारकों की जरूरत होती है, और बुद्ध के जमाने में कहा जाता है कि भिक्षुओं की वो योग्यता थी, भिक्षु इसमें सक्षम थे, क्योंकि इन चीजों को वो प्रत्यक्षात करके अनुभव कर चुके होते थे, और इसी लोगों को शिक्षा देने में उनको आसान हो जाता था। आज के जमाने में हम ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज के जमाने में ये किताबी ज्ञान है, तो अपने नोटबुक में अपने कॉपी में हम लिखते हैं बुद्ध के चार आर्य सत्य ये है, अष्टांगिक मार्ग है, ये अमुक अमुक है, बस इन शब्दों को हम लिखते हैं और उसको ये अपनी मर्जी से लोगों को बताने की या समझने की कोशिश करते हैं। तो बुद्ध धर्म का बहुत भारी नुकसान इससे हुआ है, ठीक से प्रचार नहीं हो पा रहा है। हम जो सेमिनरी की बात कर रहे हैं और बाबा साहब ने जो सेमिनरी पर इतना जोर दिया था, इसका कारण आप समझिए, ये मूल कार्य जो है धम्म प्रचार का, मूल कार्य जो है जहां से आरंभ होना चाहिए, जिन सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी शिक्षा कहीं पर नहीं मिल रही है और उसका प्रशिक्षण नहीं हो रहा है। छोड़िए, ये जाते जाते मैंने कहा कि ये बौद्ध बनने के लिए इन शिक्षाओं को समझना, इसके बारे में बिल्कुल सजग होना और उसकी महत्ता को समझकर उस पर अमल करने की मानसिकता को बनाना, ये वास्तव में बौद्ध बनने का सही अर्थ होता है। बुद्ध को मानने से कोई मतलब नहीं है, मानना तो इन बातों को है। अगर इन बातों को माना और कुछ न कुछ हद तक अपने स्वयं में परिवर्तन को अनुभव किया तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा जगती है, विश्वास बढ़ता है, एहसास होता है, अरे बुद्ध ने किया, बुद्ध ने पाया, कितनी बुद्ध की महानता है, वो कितने हैं श्रेष्ठ हैं, कितने सही हैं। तो श्रद्धा बुद्ध के प्रति इस माध्यम से बढ़ती है, एकाएक से नहीं बढ़ती, और ये श्रद्धा बल बन जाता है मनुष्य के जीवन में, करने की शक्ति पैदा होती है, हर दम हर समय वो करने के पीछे लगता है, मुझे करना है, ये ना करना ही चाहिए क्योंकि ये सही है, ये गलत नहीं है, और सही मैं करूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा, इस तरह से एक जिद पैदा होती है, ये श्रद्धा बल कहा जाता है। और इस श्रद्धा बल के कारण ही सही अर्थ में कोई बौद्ध बनता है, तब तक कोई बौद्ध नहीं बनता। ये जातियतें बिल्कुल समझ लेना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत भारी अज्ञान मैं आज के जमाने में सर्वत्र देख रहा हूं, और इसलिए धम्म को जानने की इच्छा रखने वाले, उसकी आस रखने वाले, भाई हम बौद्ध बनना चाहते हैं, बुद्ध धर्म पर कुछ अमल करना चाहते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं, उनकी सहायता करने वाले लोगों की बिल्कुल कमी है, उनकी सही ढंग से सहायता नहीं हो रही। और मैं जानता हूं अपने अनुभव से ढेर सारे बौद्ध बहुत ही नाराज है इस स्थिति पर, असंतुष्ट है बौद्ध बनने की अनुभूति तो करते कि हमें बौद्ध बनना है, ये भावना उनके अंदर बड़ी तीव्र है, बहुत बढ़कर है, लेकिन प्रत्यक्ष जो अनुभव करते हैं बिल्कुल उल्टा सीधा है ना, वो धम्म के अनुसार कुछ होता ही नहीं दिखाई देता, परिणाम ही नहीं दिखाई देते, तो लोग मन ही मन नाराज हुए दिखाई देते हैं मुझे। और ये नाराजगी ऐसे कायम रही तो लोग बुद्ध धर्म से हट जाएंगे, और दुर्भाग्य ऐसा अगर हुआ तो भारत से बुद्ध धर्म दोबारा नष्ट हो जाएगा।
इसलिए सक्षम प्रचारकों का, इसके माने बुद्ध धर्म का सक्षम जीवन जीने वालों का निर्माण करना जरूरी है, जिसमें भिक्षु भिक्षुनी आते हैं, उपासक उपासक आते हैं, और ऐसे उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। जो बाबा साहब ने सही ढंग से जाना था और बिल्कुल करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी 1952 में ही बुद्धि सेमिनरी बनाने, उसके पश्चात नहीं हुआ। तो आज हम अंजाम देख रहे हैं कि बौद्ध बनने के बाद भी इस समाज में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, जो चाहिए तो जो अपेक्षित था परिवर्तन, और जो बुद्ध धर्म के अनुभव से होता ही है, रुक नहीं सकता हो, अगर किया तो परिणाम होने वाला है, लेकिन सब कुछ रुक गया है और हम सिर्फ बाहरी कर्मकांड में, दिखावे में, मान्यताओं में जो है फंस गए हैं। तो कुछ भी हो, ये सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि बुद्ध को प्रत्यक्षात उसका ज्ञान हुआ कि इमस्मिन सति इदम होती, ये ऐसा होने के कारण होता है। और फिर तीसरे चरण में, अपनी बुद्धत्व की अवस्था के तीसरे चरण में उन्होंने उसको सही ढंग से संगठित किया, सूत्रबद्ध किया। ये सूत्र कैसे काम करते हैं, कौन से सूत्र पहले आते हैं, सूत्रों का क्रम क्या होता है, किस तरह से होता है, इन सूत्रों को उन्होंने सही ढंग से संजोया और उसका सीधा और उल्टा भी प्रत्यक्षात पठन किया कि सीधा ऐसे हो सकता है, उल्टा ऐसे हो सकता है, सीधे के माने परिणाम ऐसे होता है, उस परिणाम को टालने की विधि उल्टे क्रम से ऐसी होती है। तो इस तरह से दोनों तरह से उन्होंने अपने बुद्धत्व की अवस्था के तीसरे चरण में इस ज्ञान को पाया और तब उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, मैं अभी बुद्ध बन गया हूं, मैंने दुख से मुक्ति पाई है। और ये जब वो सही ढंग से जान चुके, उनको विश्वास हुआ कि ये सही है, तभी उसके बाद ही उन्होंने लोगों के सामने प्रकट किया कि मैं बुद्ध हूं, मैं सब दुखों से मुक्त हूं, बगैर स्वयं एहसास किए, बगैर स्वयं इसके बारे में आश्वस्त हुए, बुद्ध ने अपने बुद्धत्व का दावा नहीं किया था, ये भी जाते जाते आप ध्यान रखिए। तो कुछ भी हो, तो ये जो सिद्धांत है बुद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सिद्धांत पाली भाषा में पतिच्च समुपाद इस नाम से जाना जाता है। पतिच्च समुपाद, पतिच्च यानी प्रतिच्च, प्रत्यय, प्रत्ययों के समुदाय से, प्रत्ययों के एकत्रित होने से जो परिणाम निकलता है, उदय होता है, वो समुदाय है, पतिच्च समुदाय। और संक्षिप्त में आज की भाषा में उसको कहते हैं कार्य कारण सिद्धांत, कार्य कारण भाव, लॉ ऑफ कॉजेशन, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट वगैरह वगैरह, ये आधुनिक भाषा है। तो इस सिद्धांतों का आरंभ कहाँ से होता है, तो इसका जो सूत्र बुद्ध ने बनाया है और उस सूत्र रूपी जो शिक्षा दी है वो प्रतिच्च प्रतिच्च समुत्पाद यानी प्रतिच्च समुत्पाद इस नाम से जानी जाती है। और उसकी पहली कड़ी है, उसका प्रारंभ है अविद्या यानी अज्ञान। तो दुनिया में सभी मानव जातियों का, सभी प्राणियों का सबसे भयंकर शत्रु अगर कौन है तो अज्ञान है, और इस अज्ञान के कारण ही समस्त मानव जाति इतने सारे दुखों को शिकार बन चुकी है। यह अज्ञान मूल डायनेमिक पावर है, उनको करने के लिए बाध्य करने वाली शक्ति है, मूलभूत शक्ति है, उसके अनुसार ही आप करते हैं, आप रोक नहीं सकते खुद को। तो अविद्या है, तो अविद्या मन के अंदर का एक भाव है, एक अवस्था है। अज्ञान, जानने की क्षमता हमारी कमजोर हो जाती है, जानने की क्षमता हम खो देते हैं। जैसे माने आंखें हैं, आंखों से हम देखते हैं, लेकिन आंखें जैसी कि वैसी है, लेकिन देखना नहीं होता है, दृष्टि नहीं है। तो दृष्टि अगर आंखों में नहीं है तो उस आंखों का कोई मूल्य नहीं है,
उस तरह होता है कि हमारा मन मन तो है, लेकिन मन की जो मूल शक्ति है देखने की, समझने की, सोचने की, जानने की, जैसा है वैसा परखने की, उस शक्ति को हम खो देते हैं तो हम उस हद तक अंधे हो जाते हैं। और ये अंधेपन के तीन कारण बताए हैं। एक तो हमारी चाहत, जिसको लोभ कहा जाता है, पाली में तृष्णा कहा जाता है, चाहत इतनी तगड़ी होती है किसी भी तरह कुछ भी करते हुए अपनी आकांक्षा को हम पूरा करना चाहते हैं, वो भला हो या बुरा हो, कुछ भी हो, लेकिन हम चाहत को, अपने लोभ को पूरा करने में बिल्कुल अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। इस बारे में अनजान रहकर कि हमारा मन किस तरह से काम करता है और उसके परिणाम क्या निकलते हैं, तो लोभ के अधीन होने के बाद परिणाम जो निकलते हैं वो सही परिणाम नहीं निकलते, अमर्यादित होने के कारण, अमर्यादित होने के कारण उनके परिणाम भी बहुत विविध होते हैं और अधिक तो दुखदायी होते हैं। तो दूसरे हमारे मन में कमजोरी है, जिसको पाली भाषा में विष कहा गया है। ये विष है, पॉइजन है हमारे मन में, ये लोभ का पॉइजन है। दूसरा द्वेष का पॉइजन है, हेट्रेड, हम ईर्ष्या करते हैं, गुस्सा करते हैं और उनसे बैर करते हैं, नाना तरह की ऐसी अपने मन की अवस्था होती है। आखिर इनकी क्या जरूरत है, मन की इस अवस्था को हमने क्यों बनाए रखे, क्यों पकड़ कर रखे, अगर उसका परिणाम गलत होता है तो, गुस्सा आता है तो परिणाम गलत होता है हम जानते हैं, फिर हम गुस्से को हटा क्यों नहीं सकते। वो हटाना चाहिए इस बात को भी समझने की क्यों नहीं समझ सकते, ये हमारी कमजोरी, ये अज्ञान है। लोभ के वश होकर हम कुछ भी कर सकते हैं, हवस जिसे हम कहते हैं, पैशन हम जिसे कहते हैं, तो पैशन सभी ठीक तो नहीं होती, ढेर सारी पैशन जो है अतिरिक्त तो होती है, ज्यादा होती है तो बिल्कुल ही वो बुराई निर्माण करती है। तो हम क्यों नहीं समझ पाते कि ये पैशन जो है इसको कहीं रोकना चाहिए, उस पर कहीं आंच लानी चाहिए, उसको कहीं लगाम डालना चाहिए, नहीं समझते, ये हमारा अज्ञान है। तो लोभ, द्वेष और ये न समझने की, इनके कारण कैसे होता है, ये न समझने की जो अवस्था है उसको मोह कहा है। मोह यानी नशा है, हम इस नशे में चूर रहकर जीते हैं, इस नशा से मुक्त होने का हम प्रयास नहीं करते, तो दुख कभी हमारा पीछे छोड़ने वाला नहीं है। तो इन तीन पॉइजनों के, तीन विषों के कारण हमारा मन विषैला हुआ है और वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध को पाना ये सर्वप्रथम बात है। तो अज्ञान जो है, ऐसे अशुद्ध मन से बना हुआ हमारा अस्तित्व जो है वो अज्ञान में पूरी तरह से लिप्त हुआ होता है। तो ये जो अज्ञान है उसका संस्कार हमारे चित्त पर होता है। तो दूसरी कड़ी है अविद्या पचया संखारा, जिसको हम संस्कार कहते हैं। संस्कार के माने आदतें होती है, संस्कार के माने तो तरीके होते हैं, संस्कार के माने में हमारी प्रवृत्तियां होती है। तो हमारी प्रवृत्तियां, हमारे तौर तरीके, हमारे आदतें जो हैं, ये आदतें बगैर कारण के नहीं बनी है, उनके पीछे अज्ञान है। उस अज्ञान में छिपे हुए तीन तत्व हैं, द्वेष है, लोभ है, मोह है। इसलिए हमारी आदतें जैसी हम जानते हैं समझते वैसी हो जाती है। और यकीनन हम ये बात को समझते हैं कि हमारी आदतों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, हम आदतों के गुलाम हो जाते हैं। We are slaves of our habits. और इतने गुलाम हो जाते हैं, इतने गुलाम हो जाते हैं कि समझते हैं कि गलत है, ठीक नहीं है, फिर भी उनका त्याग करने की हिम्मत हम नहीं दिखाते या उसके बारे में सोचते भी नहीं। दुख कभी नष्ट होने वाला नहीं है, जीवन में कोई सुधार होने वाला नहीं है, क्योंकि आप उस कीचड़ में अटक गए हो। तो ध्यान साधना जरूरी है, समाधि जरूरी है, सम्यक स्मृति जरूरी है, जो अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा है। ये क्यों जरूरी है,
ये जरूरी इसलिए है कि हम उस तह तक जाए मन के, और वहां जो ये मैला छिपा हुआ है, ये जो पैशन छिपी है, उसको समझे और उन कारणों को, उन प्रत्ययों को दूर हटाने की कोशिश करे। तब हमारे संस्कार पलट जाएंगे, हमारे संस्कार सीधे होंगे और हम और नए तरीका बहुत अच्छा जीवन जीने में सक्षम हो जाएंगे, हम अपने सुख तक पहुंच जाएंगे। ये दूसरी कड़ी है बुद्ध के सिद्धांत की, अविद्या पच्चया संखारा, संखरा पच्चया विज्ञान, वियान, वियान के माने हमारी चेतना शक्ति, हम जिसको मन कहते हैं, ये चेतना शक्ति उससे प्रभावित होती है और उसी ढंग से काम करती है, आदत हो जाती है चेतना शक्ति। तो अविद्या पच्चया संखार, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूपम। तो हमारा चित्त इस प्रकार का है, इसलिए हमारा जो अस्तित्व है एक मनुष्य के रूप में, शरीर और मन को लेकर हमारा जो प्रतिष्ठित अस्तित्व बना है, इनके पीछे ये बातें छिपी हुई हैं, अंदर ये है, इनका परिणाम है, इनकी उपज है, शरीर और मन को निर्माण करते हुए इस मनुष्य धर्म को प्रत्यक्षात लाना। तो हमारा मनुष्य के रूप में प्रत्यक्ष अवतरण कैसे हुआ है, प्रत्यक्ष हम किस तरह से बने हैं, तो उसके पीछे तीन कारण जुड़े हुए हैं, अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, विद्याय पच्चय नारा। तो विज्ञान के परिणाम का कारण है हमारा नाम रूप शरीर और मन से हम प्रत्यक्षात आए हैं। अब हमारा ये प्रत्यक्ष जीवन शुरू हुआ, ये तो जन्म पाने की पहली की क्रिया हो गई, प्रत्यक्षात शरीर रूपी जन्म ग्रहण करने की पहली क्रिया हो गई। और फिर बुद्ध कहते हैं कि आप जीवित हो गए, तुम शरीर और मन को पाया, तो तुम्हारे शरीर के बाद शरीर और मन में क्या है, ये तुम्हारा अस्तित्व किन चीजों से बना हुआ है। तो कहते हैं नाम रूपक जो है अविद्या पच्चया संखार, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूप, ये जो नाम रूप जो है शरीर और मन है, नाम रूप पच्चया षडायतन, और षडायतन यानी छह इंद्रिया। कौन सी छह इंद्रिया हमारे पास हैं, ये पंच इंद्रिया तो हम जानते हैं, चक्षु है, श्रोत है, घ्राण है, जिह्वा है, ये काया है, और उसके अंदर मन है इसके पीछे से। तो ये आंखें हैं, कान है, नाक है, हमारा मुंह है, उसमें जीभ है जो रस को पहचानती है, और हमारी त्वचा है जो स्पर्श को जान लेती है, और इन सब का काम नियंत्रित होता है मन के माध्यम से, वो छठा इंद्रिय है। तो हमारा अस्तित्व इन छह भागों से बना हुआ है, कोई आत्मा नहीं है। बुद्ध ने इतने साफ तौर पर कहा कि देखो भाग है या नहीं, ये तुम्हारी मशीन है, मनुष्य रूप में एक तुम्हारी मशीन है, मशीन के ये भाग है, हिस्से है, इससे बनी हुई है, उसमें कोई आत्मा नहीं है, इसको समझ जाना बहुत जरूरी है। तो हमारे जो मशीन है छह इंद्रियों से बनी हुई षडायतन, इनके कारण क्या होता है, षडायतन पच्चया फस, फस यानी स्पर्श, स्पर्श यानी कॉन्टैक्ट, हमारा दुनिया से संपर्क आता है, हमारा हर चीज से संपर्क आता है इन छह इंद्रियों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से हम सभी आकारधारी चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कान के माध्यम से हम सभी प्रकार की आवाज जान सकते हैं और उससे हमारा संपर्क आता है, नाक के जरिए सभी प्रकार की गंध जो है, और प्रत्यक्ष जीवित रहने की जो क्रिया है, श्वसन क्रिया है, उसको अनुभव करते हैं। तो ये हमारा संपर्क है बाहर की दुनिया से, और जिह्वा के माध्यम से हम रस को जानते हैं, रुचि को जानते हैं, और अपने त्वचा के माध्यम से हम स्पर्श को जानते हैं, और इस तरह से बाहर के हर चीज से हमारा संपर्क स्थापित हुआ है। तो षडायतन पच्चया फस, इनके कारण ये स्पर्श साबित हुआ है, बिना कारण नहीं हुआ, ये प्रत्यय है उसके पीछे, ये कारण है उनके पीछे, इस तरह से वो कार्यरत हो रहे हैं।
सायतन पच्या फस यानी स्पर्श यानी कॉन्टैक्ट, फस पच्या वेदना, और ये स्पर्श होता है इन पांचे इंद्रियों के माध्यम से बाहर के संपर्क में आ जाते हैं तो उनका ज्ञान होता है और उस ज्ञान से हमें अनुभूति होती है, वेदना होती है। ये अनुभूति कौन सी है? सुखदाई, दुखदाई या असुख और दुखदाई, न्यूट्रल। तो आंखों से अच्छा दिखाई देते तो सुख होता है, कानों से अच्छा सुनते तो सुख होता है, यही अगर उल्टा देते हो तो हमको दुख होता है, और कभी कभार उस चीजों में कोई रस नहीं होता तो सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं। तो ये पांच छह इंद्रियां जो हैं ये कारण हैं जिसकी वजह से हम अनुभव करते हैं, वेदनाओं का अनुभव करते हैं, इमोशंस जो हैं उसको अनुभव करते हैं। बगैर इनके इमोशन का अनुभव असंभव है। तो षडायतन पच्या फस, फस पच्या वेदना, और ये जगह है वेदना, यहां पर हमको निश्चय करना जरूरी होता है ये वेदना कैसे पैदा होती है। बुद्ध ने कहा है इमस्मिन सदी इदम होती, इमस्मिन सदी इदम ना होती, भाई ये होने से वेदना होती है, सुखकारक वेदना ऐसे होती है, दुखकारक वेदना ऐसी होती है, जानो इसको। और अगर सुख ही चाहते हो, दुख नहीं चाहते हो, तो तुम्हारी वेदना सुख ही पैदा करे इस तरह से तुम्हारा संपर्क आना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तो तुम्हारा कर्म ऐसे होना चाहिए जिससे सुख पैदा हो, उसका कुशल। यहां ठहराओ, निश्चित करो कि हम सुख के माध्यम से जाना चाहिए, उस राशि से जाना चाहते, दुख की राशि जाना चाहते, ठहराने का वक्त है। फस पजने वेदना, अगर नहीं ठहरा तो वेदना पचया तन्ना, तृष्णा बन जाती है, वो पैशन बन जाती है, जिसको अंग्रेजी में पैशन कहा जाता है। हम उस पैशन के पीछे दौड़ना चाहते हैं, उपभोग के पीछे दौड़ना चाहते हैं, चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, हम अपनी वेदनाओं को शमित करना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन वेदनाओं का स्वभाव ऐसा है कि वो क्षण भर के लिए संतुष्ट हो जाती है, दोबारा असंतुष्ट हो जाती है, और फिर हमारी चाहत फिर उसके पीछे दौड़ने लगती है। तो हमारी वेदनाएं, सुख की वेदनाएं जिसको हम पैशंस कहते हैं, वो कभी ठंडी नहीं होती, कभी हमेशा के लिए शांत नहीं होती, क्षण भर के लिए संतुष्ट होती है, दोबारा उभर आती है, और फिर दोबारा हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। तो हमारी दौड़ दुख के रास्ते पर चलती रहती है, जिसको बुद्ध ने तृष्णा कहा है। भाई ये तृष्णा बन गई, तुम दौड़ने दौड़ने लगे अपने पैशन के पीछे, अपने लोभ के पीछे, अपने द्वेष के पीछे, अपने अज्ञान के पीछे दौड़ने लगे हो, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। तो फस पचया वेदना, वेदना वेदना पचया तन्ना, तन्ना पचया उपादान, बस आप जकड़ गए, आप उस भावना में, उस वेदना में, उस पैशन में जकड़ गए, बद्ध हुए, अभी छुटकारा नहीं होगा। तो परिणाम क्या होगा? उनका रिपीटिशन होगा, दोबारा वैसे ही निर्माण होगा। उपादान पच्चया भव, कृष्णा पच्चया उपादान, पकड़े गए, जकड़े गए, और उपादान के कारण भव, तो फिर दोबारा वैसे ही होता रहेगा, ये रिपीटेशन होता ही रहेगा, आप रोक नहीं सकते, आप पूरी तरह से उसमें जकड़ गए। तो ये वेदना पच्चया तन्ना, तन्ना पच्चया भव उपादान, तन्ना पच्चया उपादान, उपादान पच्चया फस भव, भव पच्चया जाति जरा मरण शोक परिदेव दो मनस वगैरह। तो ये जो चित्त शक्ति है वो इस तरह से उस हैबिट में पकड़ी जाती है भाव के,
और आपका पुनर्जन्म भी होता है, पुनर्निर्माण भी होता है। इन सभी बातों को लेकर ही, इस अज्ञान को लेकर ही अज्ञान नष्ट नहीं होता, और फिर इस अज्ञान को लेकर ही आप जीवन जीते हैं, सब अनुभव करते हैं और एक दिन मर जाते हैं, और मरने के बाद आपका पुनर्जन्म होता है, तो अज्ञान को लेकर ही होता है। तो ये संसार का चक्र है, जिसको ये 12 कड़ियां कही हैं, 12 निदान कहा गया है, प्रति यानी निदान कहा है। तो ये 12 निदान जो हैं, बुद्ध ने अपने ज्ञान को पूरी तरह से लोगों के सामने प्रकट किया है, कुछ भी बाकी नहीं रखा, सब कुछ इतने बारीकी से स्पष्ट कर दिया है कि भाई ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ है, मैंने अनुभव किया, तुम भी अनुभव कर सकते हो, यहाँ चोरी छिपाने की बात नहीं है। जानो, समझो, परखो, अजमा कर देखो, ये बुद्ध की भाषा है। तो इस तरह से बुद्ध ने अपने अंतिम चरण में ही इस कार्यकरण भाव को जो है वो श्रृंखलाबद्ध किया, उनकी अनेक जो कड़ियां हैं उनको निश्चित किया, और ये श्रृंखला कैसे काम करते हैं उसको उन्होंने स्पष्ट किया, और फिर ये श्रृंखला कैसे टूटती है ये भी उन्होंने स्पष्ट किया। तो अविद्या न होने से संस्कार नहीं होता, संस्कार नहीं होने से विज्ञान नहीं होता, विज्ञान नहीं होने से नाम रूप नहीं होता, नाम रूप नहीं होने से षडायतन नहीं होता, षडायतन नहीं होने से स्पर्श नहीं होता, स्पर्श नहीं होने से वेदना नहीं होती, वेदना नहीं होने से तृष्णा नहीं होती, तृष्णा नहीं होने से उपादान नहीं होता, उपादान नहीं होने से निर्मिति नहीं होती, नव निर्माण नहीं होता, भव नहीं होता, और भव न होने से, पुनः निर्माण न होने से जरा मृत्यु ये हो ही जाते, उठल नहीं सकते, और इसी अज्ञान में हम मर जाते और दोबारा पुनर्जन्म को पाते हैं, तो इस अज्ञान को लेकर ही पुनर्जन्म को पाते। तो इस संसार का चक्र जो है चलते रहता है, और इसको इस तरह से पलटाया जा सकता है, और पलटाने की कड़ी जहाँ मौजूद है, मैंने आपको बताई वो कड़ी मौजूद है वेदना पचया तन्हा, इनके बीच में वेदना हम अनुभव करते हैं, सुख दुख वगैरह, और उससे जो तृष्णा निर्माण होती है, बस यहीं पर हम उस मार्ग को छोड़ सकते हैं और तृष्णा को त्याग कर दूसरी तरफ मुड़ सकते हैं। यहाँ इस श्रृंखला को, इस संसार चक्र को, जिसको भव चक्र कहा गया है, इस भव चक्र को हम तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने की विधि कौन सी है? इस भव चक्र को जो तृष्णा है, वेदना पच्या तृष्णा, इमोशंस पैदा होती है, भाव पैदा होते हैं, सुख दुखदाई अनुभव आते हैं, अगर हमने इस अनुभव को सही पहचान कर, किस कारण होते हैं इसको जानकर उस कारण को त्यागने की कोशिश की, तो हम उसे बाहर निकल सकते हैं। तो यहीं पर हमारे मन में बुद्ध की इस शिक्षा के बारे में श्रद्धा पैदा होना आवश्यक है, विश्वास पैदा होना आवश्यक है। अरे बुद्ध ने इस बात को बताया, इस कड़ी को तोड़ा जा सकता है, इस चक्र को तोड़ा जा सकता है, और यहीं पर इस जगह इस कड़ी को हम तोड़ सकते हैं। तो तृष्णा के पीछे भागते हुए वो पैशन बनाने के सिवा हम डिस्पैशन हो सकते हैं, पैशन को हुकवा सकते हैं, पैशन को कमजोर कर सकते हैं, पैशन को हम तोड़ भी दे सकते हैं। किस तरह से? बुद्ध के प्रति विश्वास पैदा करते हुए, धम्म के प्रति विश्वास पैदा करते हुए, इनको सही ढंग से समझकर उस तरह से करने की कोशिश करते हुए, इस भाव को अपनाते हुए, उस शक्ति को अपनाते हुए, उस मानसिकता को बढ़ाते हुए हम इस श्रृंखला को तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये मानसिकता जो उस तरह बनती है कि वेदना पचया तन्ना, उसके पद में वेदना पचया श्रद्धा हो जाती है, श्रद्धा। तो बुद्ध धर्म में श्रद्धा जो कही गई है, वो आंखें, मन की आंखें खुली रख कर जो अनुभूति की जाती है उसको श्रद्धा कहा गया है। अंधे रहते हुए, अनजान रहते हुए,
आगा भी पता नहीं, पीछा भी पता नहीं, ऐसी अवस्था को श्रद्धा नहीं कहा बुद्ध धर्म में, वो अंधश्रद्धा होती है। जिसका कोई ज्ञान नहीं उस पर हम श्रद्धा रखते तो अंधश्रद्धा होती है। तो बुद्ध ने कहा है कि ज्ञान आपको इस बात का होना चाहिए, अपने खुद के अस्तित्व का, आप किस तरह से बने हैं, आपका अस्तित्व किस तरह से काम करता है, ये मन क्या होता है, ये चित्त क्या होता है, कौन सी घटनाएं किस तरह से होती है, और ये पैशन कैसी पैदा होती है, ये तृष्णा कैसी पैदा होती है, तृष्णा से बच जाओ। और मैंने जिस तरह से तृष्णा को पूरी तरह से खत्म कर दिया और पूरा पूरा सुख पा लिया, उस रास्ते पर आ जाओ। तो मैंने जो बताया उसको अपनाओ, समझो, जानो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी जरूरत है, हर आदमी की जरूरत है। अरे बुद्ध से मुझे क्या लेन देन है, ऐसा मत सोचो। मेरा धर्म अलग है, बुद्ध का अलग है, ऐसा भी मत सोचो। अरे बुद्ध यही एकमात्र मनुष्य है जिन्होंने जीते जी सब सुख को पाया, परिपूर्णता को पाया, और अपने इस ज्ञान को उन्होंने बिल्कुल मुफ्त में सभी मनुष्य मात्र को बांटा। वो तो लोग, वो तो कुछ मांगते नहीं, कुछ चाहते नहीं, और हम लोग भी बुद्ध को दे देकर क्या दे सकते हैं। उन्होंने तो सभी पूरे पूरे सुख को पा लिया, हमारे पास है क्या देने के लिए उनको। तो हम जो धर्म के नाम पर लेने देने का व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, जिस भी तरह से करते हो, ये अज्ञान नहीं तो क्या है, पागलपन नहीं तो क्या है, कौन सी सच्चाई उसके अंदर, ये तो समझ। हम घुसखोरी करते हैं, घुसखोरी को तो गलत कहते हैं कि घुसखोरी नहीं करनी चाहिए, वो गलत गलत है। लेकिन हम जब अतीन्द्रिय शक्तियों को मानते हैं, ईश्वर आत्मा को मानते हैं, और वहां पर भी कुछ चढ़ाते हैं, मन्नत मानते हैं, कुछ देने की बात करते हैं, क्या घुसखोरी नहीं है वो? अरे एक घुसखोरी कर रहे हो, वो कोई फायदे के नहीं है, कोई लाभ के नहीं है। तो इस तरह से अपने ज्ञान को, आखिर बुद्धि किस लिए है हमारे पास? ये जानने की शक्ति मनुष्य के पास है, इसलिए मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, अन्य किसी प्राणी में ये शक्ति नहीं है, ये ताकत नहीं है, वो बुद्धत्व को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए बुद्ध धर्म में कहा है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिला है तो बहुत भारी प्राप्ति है, इसको व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए, इसको विफल नहीं होने देना चाहिए, उसका पूरा पूरा फायदा उठाने की शक्ति हमारे मन के अंदर है, और इस मन के माध्यम का हमें पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, ये श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा निर्माण होती है और हम तृष्णा को कमजोर करने लगते हैं, दान देने लेने लगते हैं तो लोभ कमजोर होता है, मैत्री भावना करने लगते हैं तो द्वेष कमजोर होता है, ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते तो अज्ञान पैदा होता है। तो बुद्ध धर्म में दान देने के लिए क्यों इतना महत्व दिया है, शील का पालन करने के लिए क्यों इतना महत्व दिया है? भाई ये तो प्रतिष्ठित आचरण है जिससे हमारी जो कमजोरी है, जो बीस हमारे मन में है लोभ और द्वेष का, वो कमजोर होता है, खत्म होता है, आगे चलकर वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो ये अगर हम करते हैं, दान देते तो हमें आनंद होता है, शील का पालन करते आनंद होता है, हम शीलवान तो कोई हमको बुरा नहीं कहता, हमारे उंगली नहीं उठाता, तो हमें आनंद होता है, हमें प्रसन्नता होती है, हम खुश रहते हैं, ये प्रत्यक्षत अनुभूति होती है सभी आदमी को। तो इस तरह से शील का पालन करना और दान देना, इस पर बहुत जोर दिया बुद्ध धर्म कि मुक्त से दान करो, दानं ददंतु श्रद्धाय, श्रद्धा से दान करो। किसी भिखारी को, भिखारी को आप देखते हैं तो भीख मंगा है, इस तरह से बुरा मानकर मत दीजिए, उसका अपमान करते हुए मत दीजिए, आप सौभाग्य मानिए इस बात का, अरे इसने तो मुझे दान करने का मौका दिया है, इतने सारे उपकार उसने मुझ पर किए हैं, इस श्रद्धा से दान देना जरूरी है। किसी मदद करना इसलिए जरूरी है, इसने मौका दिया है मुझे मदद करने का, दान देने का, यानी मेरे लोभ से मुक्त होने का, मेरे लोभ को कमजोर करने का मुक्ता उसने मौका मुझे दिया, कितना भारी उपकार किया है। तो बुद्ध का मैत्री भाव, करुणा, मैत्री, इसका अर्थ यहाँ हम देखते हैं, तो उसका आनंद होता है। तो आनंद बच्चा होता है तो बढ़ती जाता है,
श्रद्धा पच्चया ये आनंद होता है, और आनंद से फिर अत्यानंद होता है, उसको प्रीति कहा जाता है, प्रीति निर्माण होती है। और फिर मन की साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो और प्रीति बढ़ जाती है, और प्रीति बढ़ जाती है तो हमको एकाग्रता प्राप्त होती है, ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है, उस ध्यान से सुख की अवस्था प्राप्त होती है। उस सुख की अवस्था में इस दुनियादारी का जैसा कि वैसा दर्शन कर सकते हैं, यथाभूत ज्ञान दर्शन हमको होता है, फिर हमको निब्बिता प्राप्त होती है, कि दूरी पैदा होती है इन सभी भौतिक बातों से और हमारे अस्तित्व से, दूरी पैदा होती है। इस दूरी से फिर वैराग्य पैदा होता है, विराग जिसको कहा है, इस विराग से फिर हमको प्रत्यक्षात उस सुख की उपलब्धि होती है, उस मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है जिसको मुक्ति कहा है, जिसको निर्वाण कहा गया है। तो जीवित रहते हुए हमको वहां तक पहुंचने का मौका है, बशर्ते हम 20 बुद्ध की मूलगामी शिक्षा को सही ढंग से अपनाए, समझे और प्रत्यक्षात लाने की कोशिश करें। तो भाई और बहनों, इससे अधिक कहने की तो मुझे आवश्यकता मालूम नहीं हो रही है, इतना ही काफी है। और हो सकता है अगर ये सब ध्यान में नहीं आया तो कुछ सवाल भी उठ सकते हैं, तो उसकी तो और हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर उस सवाल का आप जरूर पूछे, जाते जाते सिर्फ इतना ही मैं कहता हूँ कि ये सब कर्म से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। हम जो कुछ करेंगे वो कर्म है, तो हम वास्तविक मालिक किस चीज के है दुनिया में, केवल हमारे कर्म के। हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इस पर ही हमारा अधिकार है, और किसी चीज पर अधिकार नहीं। हम खाली हाथ आए दुनिया में, खाली हाथ चले जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं ले जाने के लिए। हमारा कर्म मात्र है, हमारे मन पर जो संस्कार हुए, चित्त पर जो संस्कार हुए, और चित्त जो दूसरे जन्म में निकल जाता है तो ये अवस्था लेकर जाता है, ये परिणाम लेकर जाता है, ये इम्प्रेशन लेकर जाता है। तो कमस का मानव सत्ता ऐसा कहा है बुद्ध कि सर्व मानव जाति का अधिकार अपना कुछ है तो उसका कर्म ही है, वो कर्म के ही वारिस हो जाते हैं। कम दाया था, कम ही उनका बंधु हो जाता है, क्योंकि जो कर्म करेंगे उसका अनुभव उस तरह से होगा, बंधुत्वमय होगा। बंधुता जैसे वातावरण निर्माण करने वाला कर्म करेंगे तो कर्म ही उनका बंधु हो जाता है, और उनको कर्म की शरण में जाना पड़ता है। आखिर कर्म से छुटकारा पाना है, उसे डील करना है, और कोई बात नहीं डील करने की। तो इस तरह से कम्मंग सत्य विभजति, कम्म से ही मनुष्य में भेद पैदा होता है। यदिदम हीन पलितताया, वो कम्म के कारण ही ऊंच नीच होता है, उसमें कुछ कमजोरी ज्यादती होती है, जो कुछ कुछ से कहते हैं गुण होते हैं, वो गुण भी इन कर्म के कारण ही होते हैं। और इसलिए बुद्ध ने महत्वपूर्ण सिद्धांत मान प्रकट किया है, कम्मा विपाक का वतंती विपाको कम्म संभव। कर्म का विपाक होता है, परिणाम होता है, और ये निश्चित होता है, कम्म से ही पुनर्भव होता है, कम्म पुनर्भव होती एवं लोके प्रवर्तति, और ये पूर्ण का कम्म का पुनर्भव होता है। और इस तरह से लोग जो है ये चलते रहता है, जगत चलते रहता है, ये मनुष्य प्राणियों का चाल चलन चलते रहता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखें और समझने की कोशिश करें। अगर कुछ सवाल हो तो आप पूछिए, लेकिन ये विषय उतना प्रगाढ़ है, जरा क्लिष्ट हैं, तो हो सकता है कि सवाल भी कुछ ऐसे ही उल्टे सीधे हो सकते हैं। पहली बात तो है, आप जरा ठीक से समझने की कोशिश करें तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल सीधी बात है, ये है ऐसे होता है, ये नहीं होता वो नहीं ऐसे होता, बात खत्म हो गई। इतना आसान है अगर समझना है तो, अगर इतने आसानी से नहीं समझा तो फिर हमारा मन जो है, जिसको क्लिष्ट मनोविज्ञान कहा है, क्लिष्ट है, बहुत चालाक है, बहुत ही क्या मतलब क्लिष्ट बना हुआ है, अनेक तरह से वो बहुत ही क्या कहे कि एक दूसरे में मिक्स हो चुका है, क्लिष्ट हुआ है। एनीवे, आप इस बात को समझ ले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत समझने की कोशिश की है। आगे चलकर भी इसको बार बार समझाते रहेंगे, क्योंकि एक बार से समझ में आएगा ऐसा तो कहना मुश्किल है। कुछ भी हो, आपने इसको सुन लिया
समझने की कोशिश की, इसलिए मैं आपका बहुत अनुग्रहित हूँ और चाहता हूँ कि आप उससे लाभान्वित होकर अपने जीवन में उसको प्रत्यक्षात करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, ये चेतना पर मन में जागे इस तरह से मनो कामना रखते हुए भवतु सब मंगलम कहते हुए मैं अपने इस वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम। साधु साधु साधु। प्रतीत समुत्पाद जो है कार्यकारण भाव इसको कहते हैं, उसके ऊपर हमने बहुत गहनता से बंते जी से सुना। और जैसे बंते जी की अपेक्षा है कि ये विषय जो है वो सबको पूरा समझ में आया है, और इसमें जैसे बंते जी ने कहा कि ये है इसलिए वो है, मतलब क्या बोलेंगे, कॉज ये है इसलिए इफेक्ट है उसका, जो भी है इस टाइप से अगर कहा जाए तो तो आज का जो विषय है इसके ऊपर अगर किसी को कोई सवाल है, कुछ पूछना है आज से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। एक दो तीन सवाल ले लेंगे हम लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए अगर कोई सवाल है तो, नहीं तो फिर हम फिर आज का ये कार्यक्रम जो है देशना का वो यही समाप्त करेंगे। कोई प्रश्न है किसी को? मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ देन आस्क क्वेश्चन। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ देन आस्क इफ यू एनी क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आज का जो विषय है वो सबको समझ में आ गया है, उसमें और कोई फर्दर कुछ क्वेश्चन नहीं है, इसके माने तो यही होता है। सही। हाँ गौतम साहब, प्रमोद कुमार जी अनम्यूट कीजिए। नमो बुद्धाय जय भीम। बंते जी के देशना लगता है आपने बड़ी गहनता से सुनी आज आपने। मुझे नींद आ गई सुनते सुनते, नींद आ गई मुझे। हाँ हाँ वही तल्लीनता दिख रही थी आपकी, वही मैं बोल रहा था अब पूरे तल्लीन हो गए थे लगता है। नहीं अच्छा है। मैं बस एक ही क्वेश्चन मेरा है, जैसे बात आती है जब विरोधाभास होता है जी, जब कान की इंद्री सुनती है द्वेष वाला शब्द सुनती है, कोई हमको गाली देता है यानी कि जुबान से नहीं देता है यानी कि रिटन में देता है, तो हमको उस समय अपने मन के अंदर, मन तो यही कहता है, विद्या तो हमारी यही कहती है कि अनित्य है, लेकिन अनित्य कहने के बावजूद भी मन नहीं मानता है भाई उसने रिटर्न में गाली दी है, उसने हमारा अपमान किया है और अपमान बहुत बड़े स्तर पे किया है, यानी कि हम अगर पुलिस में नौकरी कर रहे हैं तो हमारा सरकारी दस्तावेज में अपमान किया है, तो हम कैसे पीछे हटेंगे, अपमान सम्मान के लिए तो लड़ना पड़ेगा ना, तो फिर कैसे अनित्य कह देंगे हम उस चीज को। मेरा प्रश्न ये है बंते जी से, मेरा प्रश्न ये है बंते जी, नमो बुद्धाय जय भीम, मुझे सुन रहे हैं तो। अच्छा आप पुलिस में है ना, कहाँ पे, कौन सी जगह है? गाजियाबाद में है। ओके ओके जी, उत्तर प्रदेश। हाँ जी हाँ जी हाँ बंते जी, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? अनम्यूट करा। हाँ अनम्यूट करा। हाँ ये ठीक है, ये तो हमारे जीवन का हर वक्त का हरदम निर्माण होने वाला सवाल है, समस्या है, और इसका जवाब भी उतना ही आसान है। कैसे होता है, हम किसी का अपमान करते हैं या कोई हमारा अपमान करता है, गाली देता है, तो हमको बुरा लगता है और फिर उसका हम रिएक्शन करते हैं, उसका प्रतिवाद करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। वो प्रतिक्रिया कैसे होती है, उसने अपमान किया तो हम भी उसका अपमान करेंगे, उसने हमको बुरा कहा तो हम भी उसको बुरा कहेंगे, तो उसने पत्थर मारा है तो हम भी पत्थर मारेंगे। आप ये एक दूसरे पर पथराव करते रहे हम लोग तो नतीजा क्या होगा? नतीजा क्या होगा हम समझ सकते हैं, बर्बादी हमारी भी है, बर्बादी उसकी भी है। बिल्कुल।
तो हम जिस अपनी अस्मिता को बनाए रखना चाहते हैं, वो आत्मिसा अस्मिता भी खत्म हो गई ना, उसकी भी मृत्यु हो गई, वो भी खत्म हो गई। अरे हम ही खत्म हो गए तो फिर अस्मिता कहाँ रहेगी? तो इसलिए बुद्ध ने कहा, नहीं वेरे न वेरा नि संबंधित तो कदाचन, अवेरे न संबंधित तो ये सदमु सनातनो। एक सनातन धर्म कौन सा है भाई? जैसे को वैसा जवाब देने का धर्म सनातन नहीं है। सनातन धर्म वही है, किसी ने कुछ गलत किया तो हम सही करके अपनी रक्षा करें, अपने अस्तित्व को न मिटाए, वहां हमारे अस्तित्व को हम और अधिक बढ़ाएं। तो ये कैसे हो जाता है? तो बुद्ध की एक कहानी बता देता हूँ, जो पहले पहले मैंने बताई है, बताने का वक्त है। बुद्ध ऐसे ही श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए जाया करते थे। रास्ते में किसी एक ब्राह्मण का घर होता था, और आते जाते ये ब्राह्मण भंते का अपमान करते थे, बुद्ध का अपमान करता था, उल्टी सीधी बातें कहता था। बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे, वो ऐसे शांति से जाते थे, शांति से आते थे। तो ये एक तरह से आदमी उनको चिढ़ाता था, भड़काने की कोशिश करता था। बुद्ध नहीं चिढ़े, वो विचलित नहीं हुए। तो क्या होता है कि हम अगर किसी को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं और वो चिढ़ता नहीं, तो हमारी चिढ़ और अधिक बढ़ जाती है, हमें और अधिक जोश आता तो ज्यादा से ज्यादा हम उनको और चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। बस उस ब्राह्मण का भी वैसे हो गया। अरे ये सुनता नहीं, मैं इतना बुरा कहता हूँ उसको, सुनता ही नहीं है। तो ये बुद्ध को रास्ते में ही रोका उसने, अरे कैसा आदमी है तो? ये पाली भाषा में ऐसा नहीं कहा, ये आधुनिक भाषा में कह रहा हूं मैं, पाली भाषा की वो अलग रचना है। अरे कैसा आदमी है, मैं तुमको कुछ बुरा कह रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, तुम्हारी निंदा कर रहा हूँ, और तुम्हें कोई होता है कोई कोई परिणाम नहीं होता तुम्हारे, तो कैसे आदमी हो? तो बुद्ध ने फिर उसकी तरफ देखा और उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन पहले मुझे बताओ, मेरे कुछ सवाल का पहले मुझे जवाब दो। उसने कहा, हाँ पूछिए सवाल क्या है। तो उसने कहा, देखो भाई, तुम्हारे पास कोई तुम्हारे मित्र आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तुम्हारे पास कोई आता है या नहीं कभी? तो उसने कहा, क्यों नहीं, मेरे ढेर सारे मित्र हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, आते हैं हमेशा। बुद्ध ने कहा, अच्छी बात है, तो बताओ कि तुम उनके लिए क्या करते हो? तो उसने कहा, हाँ उनको खान पान करता हूँ, उनका आदर आतिथ्य करता हूँ, उनको गिफ्ट भी देता हूँ, तोहफे भी देता हूँ उनको, बड़ा सत्कार करता हूँ। बुद्ध ने कहा, कितने अच्छे आदमी हो, तुम्हारे पास आता है कोई तो तुम उसका सत्कार करते हो, तो तुम अच्छे आदमी हो। अब देखिए, एक गाली देने वाला आदमी था, और बुद्ध उसके मुंह पर उसे कहते कि तुम पीछे आते हो, तो उसका जो क्रोध था, उसकी जो मानसिकता थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी टूटी होगी ना, कहीं ना कहीं थोड़ी लज्जा तो उसको महसूस हुई होगी, अरे मैं तो उसको गाली देता था और मुझे अच्छा आदमी कह रहे हैं। तो उसका जो क्रोध का ये पारा था, कुछ नीचे आ गया होगा ना। तो फिर बाद में बुद्ध ने कहा, तो देखो भाई, जैसे तुम तुम्हारे मेहमानों के साथ बारे में और मित्र परिवार के बारे में बर्ताव करते हो, मैंने वैसे ही बर्ताव किया। मानिए किसी को तुमने कोई तोहफा दिया और उसने वो नहीं लिया तो क्या होता है? तो उसने कहा, वो तो मेरे पास ही रह जाता है। तो भाई मैंने तो वही किया ना, तुम मुझे देना चाहते हो ना, मैंने नहीं लिया है, अपने पास रखो। जीत किसी हुई? जीत बुद्ध की हुई है। गाली देने वाले की हार हुई, वो जीवों ने पूरी तरह से दब गया, उनकी मानसिकता में कोई ताकत बाकी नहीं रही। तो बुद्ध ने इसको सनातन धर्म कहा है। दूसरे बुरा करते हैं, वो बुरा है समझ लीजिए, और उनके जैसा आप बुरा मत करो, आप सही करो, वो दबने वाला है और तुम्हारा सही है। ये सनातन धर्म है, चिरंतन है, हमेशा जीवित रहने वाला धर्म है, वो कायम रहेगा। जैसे कोई गाली देता है तो पहले आपके अंदर मन ही मन जलने लगता है, अंगार उसके
पैदा होते हैं इसके मन ये मन, उसमें से गाली के रूप में एक अंगार उठाकर आपकी ओर फेंक देता है। आप देख रहे हो तो अंगार है, ये तो जलाने वाली चीज है। क्या आपने उसका क्रिकेट में जैसे मशहूर कैच होल्डर होते वैसा कैच पकड़ना चाहिए आपने? अंगार की कैच आप पकड़ सकते हैं, पकड़ना चाहोगे? वो तो गलत है, अंगार को आपको छोड़ देना चाहिए। तो औरों ने अगर ऐसे अंगार भी फेंके तो समझना ये जरूर है कि ये गलत है, लेकिन उसका हमें शिकार नहीं होना है। तो उनके जैसा हम करने लगते हैं तो उनके चंगुल में फंस जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। अगर उनके जैसा हम नहीं करते तो हमारी ताकत जो है, मानसिक शक्ति जो है, हमारी मूल ऊर्जा जो है अक्षुण्य रहती है, जैसे कि वैसे रहती है, वो कमजोर हो जाता है, हम ताकतवर हो जाते हैं। ये बहुत भारी फर्क है। इसलिए सीलवान जो लोग होते हैं, सदाचारी लोग जो होते हैं, उनका वजन रहता है हर आदमी पर, एक दबाव रहता है, कितना भी दुष्ट आदमी क्यों ना हो, ऐसे सत्शील आदमी के सामने अपना बड़प्पन जो है अब दिखावा नहीं कर सकता, वो दब कर रहता है, समझता है मन के मन अंदर, नहीं उनकी जैसी ताकत मेरे पास नहीं। तो बुद्ध का कहना है हमको अगर जीतना है तो ये निरंतर जीतने वाला जो धर्म है सकारात्मक बने रहने का, अपने मन को विचलित होकर कमजोर न होने देने का, इसी को अपनाए। दूसरे अपने मन को कमजोर करते हैं, गलत व्यवहार करते हो तो कमजोर हो जाएंगे, जीत तो हमारी निश्चित है। तो ये अलग ढंग का विचार बुद्ध ने सामने रखा है, जो प्रत्यक्षात्मा में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हमने भी अनुभव किया है कि जब लोग बुराई करते हैं हम चुपचाप रहते हैं, आखिर लोग ही थक जाते हैं। नागपुर में इतने लोगों ने बुराई की, बहुत तकलीफ दी, गालियां भी दी, और हमारे बारे में गलत पत्रक भी छापे, पर्चियां बांटी। अब मुझे मैसेज आया नागपुर से, आज ही सुबह मुझे टेलीफोन आ गया था, एक उपासक ने फोन किया, बंदे जी उस बयाप रहते थे, लोगों ने आपको इतना सब सताया था, सब काम वक्त जो है चौपट कर दिया था। हाँ मैंने किया। तो मैंने कहा वो अज्ञानी लोग क्या भी क्या करेंगे, उनसे क्या झगड़ा करेंगे, जो किया उन्होंने किया, बात खत्म हो गई। नहीं नहीं नहीं, वो तो बात ठीक है, आपकी तरफ से तो पहले से खत्म हो गई है, लेकिन आपकी बात मैं आप बता रहा हूँ कि उनमें से कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने मेरे चरण छुए और कहा कि भंती जी से हमने गलत व्यवहार किया, कृपया उनको वापिस बुलाइए, हमें उनकी जरूरत है। जीत किससे हुई? इतने सारे लोगों ने इतनी तकलीफ दी, सारा काम चौपट कर दिया, बर्बाद किया सब काम, तो हमें नागपुर छोड़कर आना पड़ा। लेकिन इतनी बर्बादी होने के बावजूद भी जीता कौन? तो बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया है, जीत अगर हासिल करनी है तो अपनी मानसिक शक्ति को बरकरार रखे, उसको औरों के तौर तरीके अपनाकर कमजोर न करे, उसके जाल में न फंसे। ऐसा अगर आपने किया तो आपकी जीत जरूर निश्चित है, उनकी पराजय भी निश्चित है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, जय भी जी बंते जी, बहुत बहुत साधुवाद बंते जी। बंते जी ने एकदम उसका जो प्रैक्टिकल तो एप्लीकेशन है ना, व्यवहारिक जो वो कैसे उसको व्यवहार में लाना है उसके बारे में बताया है। तो ये जो है, कोई अपना बुरा करता है या चाहता है तो ठीक है, लेट देम डू दैट, वी शुड कंटिन्यू अवर वर्क, हमारा काम जो है हम एक डायरेक्शन में उसको कंटिन्यू करना है। अभी पिछले बार क्या हुआ कि ऐसे ओएनजीसी के थ्रू हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, है ना, तो प्रॉब्लम क्या है कि हमें मैत्री भावना की कमी है, मैं देख रहा हूँ बहुत बहुत जगह बनते जी। उसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम कुछ स्पीकर्स को बुलाते हैं जो विद्वान है किसी क्षेत्र में ना, उनको बुलाते हैं तो बहुत सारे जो हमारे साथी है उनका वो थोड़ा मतभेद हो जाता है कि भाई इसको क्यों बुलाया, उसको क्यों बुलाया, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है। ठीक है, वो हर एक का, मैंने उनको ये समझाने की कोशिश यही की है कि हर एक का एक पास्ट होता है, चाहे कोई भी हो, हर एक का पास्ट होता है। अंगुलीमाल का भी पास्ट था, वो तथागत के शरण में आके अंगुलीमाल भी है ना, तो
वो एक अच्छा आदमी सज्जन इंसान बन गया, तो सभी को चांस मिलना चाहिए, सभी को चांस देना चाहिए। उसने वो कोई चीज़ गलत की है तो उसका मतलब ये है कि हम उसी को लेके चले और उसको पूरे जिंदगी भर उस बोझ को ढोते रहे अपने मन में, मस्तिष्क में, तो ये तो कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। और मुझे लगता है कि धम्म हमको ये नहीं सिखाता है, धम्म ये सिखाता है कि सभी के साथ हमको प्रेम भाव मैत्री का व्यवहार करना चाहिए, और उसको प्रैक्टिकल जो है कैसे करना है। आपने ये भी अभी गौतम जी के सवाल का आपने बहुत सही तरीके से उसका उत्तर दिया है, तो बहुत बहुत साधुवाद बनते जी। और रेखा आनंद मैडम का कोई प्रश्न है? हाँ मैडम बोलिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। बंदामी बनते जबी जबी रेखा आनंद फ्रॉम पुणे बनते, जैसे जैसे आपने बताया कि कॉज एंड इफेक्ट ये बहुत ही मतलब पेचीदा है, तो समझने में थोड़ी कठिनाई है। तो अभी भी जो आपने आंसर दिया उसके रिगार्डिंग भी फिर भी मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे महामोगलन इतने अरहंत पद पे गए थे या अम्रपाली भी इतनी श्रद्धालु उपासिका थी, फिर भी उनके जो कर्म थे उनको वो विपाक मिला, तो एज अ नॉर्मल पर्सन हम ले पर्सन तो कैसे इस सारे विषय में हम जागरूक रह के हमारा कर्म करें? तो ऐसा कुछ डेली रूटीन में कुछ प्रैक्टिसेस है क्या जो हम कंटिन्यूअस अवेयरनेस में रहे कि कुछ बोलते समय कुछ करते समय किसी का मन न दुखे, या ये सारी बातें ऊपर ऊपर की समझ में आती है फिर भी कुछ मन के अलावा होता है तो वो रिएक्ट हो ही जाते हैं, तो ऐसे कुछ बताइए जो हम डेली प्रैक्टिस में करके हम ऐसे कर्म ना करें, बस यही समझ। इसके बारे में बुद्ध धर्म की जो परंपरा है वो यही परंपरा रही है कि कुशल और अकुशल इस कर्म को हम पहले समझें। इसका सीधा सरल अर्थ इतना ही है, जो करने से बुरा होता है, जो करने से दुख पैदा होता है, जो करने से अप्रिय कुछ होता है, ऐसी किसी भी बात को हमें नहीं करना चाहिए और टालने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि झूठ बोलने का समय आ गया, वक्त आ गया, तो जरूरी नहीं कि झूठ बोलना ही चाहिए, आप चुपचाप रहकर उस समय से निपट सकते हो। तो इस तरह से जहाँ दुख पैदा होने की संभावना है वहाँ हम कार्य कुशलता दिखाकर कुशली कर्म को चिपके रहे और अकुशल कर्म जो न करें। अकुशल कर्म क्या होता है? जिसके करने से दुख पैदा होते हैं अकुशल है। तो बुद्ध ने सर्वप्रथम इस जागरूकता को हमेशा जताने की शिक्षा दी है, जागरूक रहे हमेशा, आप इस बारे में सतर्क रहे, अलर्ट रहे, 100% अलर्ट रहे कि जो कुछ करने का मौका आपको आता है, करने के माने कर्म होता है, तो करते वक्त आप अपनी सजगता को मत खोए और अकुशल कर्म को मत करें। अकुशल कर्म से सावधान रहने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण आचरण विधि बुद्ध ने बताया है, जो हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। और जो लोग इस तरह से हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए जीवन जीते हैं उनको ही वास्तविक बौद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष बुद्ध की शिक्षा पर अमल करके रहते हैं। अब कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा होता है, हमारी सहनशीलता जो है कमजोर पड़ती है तो उल्टा सीधा हो जाता है, फिर भी हमको तुरंत अपने को संवरना चाहिए, सावधान होना चाहिए, हाँ जो किया गलत है कोई बात नहीं दोबारा नहीं करूँगा। तो इस तरह से अपने मन को कमजोर होने से बचाना है हमेशा, और उसको कुशल रखते हुए बिल्कुल सशक्त बनाते रहना है, तो ये सभी समय संभव है। अब एक कहानी बताता हूँ जो बम्बई में हुई है, प्रत्यक्षात बहुत साल हो गए उसको। वहाँ पर मैं क्लास लेता था हर सैटरडे को, और एक दिन एक आदमी मेरे पास आ गया, वो अपने ऑफिस से निकलने के बाद सीधा क्लास में आता था हर सैटरडे को और फिर जाता था। एक सैटरडे को आया और उसने कहा कि क्लास होने के बाद मुझे कुछ क्या है, एक दो मिनट का समय दीजिए, मुझे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है भाई बोलो। उसने क्या पूछा?
बंटी जी बात ऐसी दरअसल है कि मेरे और मेरे बीवी के घर में बहुत जोरदार झगड़े हुए हैं और अब लगभग 2-3 महीने हुए हम एक दूसरे बात भी नहीं करते, इतने हम दोनों भी गुस्से में। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आता, बहुत हमारा वातावरण जो है दुखमय बना है, बिल्कुल टेंशन से भर गया। तो मैंने कहा ठीक है तुम सही में इस वातावरण को ठीक करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल करना चाहते हो, तुम करोगे जो मैं कहूँगा? बिल्कुल करूँगा। तो मैंने उससे कहा कि महिलाओं को तो ये बालों में मालने के लिए फूल जरूरी होते हैं ना, तो मैंने कहा इस फूल की एक माला जो है आज आपको ले जाओ, जिसको मराठी में वेणी कहते हैं, वेणी, हिंदी में क्या कहते मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसको बड़ा आनंद हुआ, वो लेकर गया, लेकिन बीबी तो बहुत गुस्से में थी। गजरा 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 मुझे आनंद देते बहुत गुस्से में थी वो गजरा। तो अभी इसकी भी हिम्मत नहीं थी बात करने की और प्रतीक्षा देने की। तो जहां वो किचन में और क्या ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी रहती थी, वहां जाकर उसने वो रख दी माला और बड़ा खुश हुआ कि अभी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जैसे इसने उस माला को देखा बस जैसे बिजली गिर पड़ी उस पर। हाँ तो यही धंधे करते रहते हो तुम ये और किसी के लाई किसी के लिए लाई होगी, वो गलती से तुम घर लेकर आए तो पकड़े गए तुम सब काम मामला तो चौपट हो गया, झगड़ा कम होने के बदले बहुत बिगड़ गए। दूसरे हफ्ते में वो आ गया, बंते जी काम तो बिल्कुल बिगड़ गया, मैं माला लेकर गया और ऐसा ऐसा झगड़ा हो गया, बिजली गिर पड़ी। मैंने कहा तुम हारना नहीं बिल्कुल, अगर हिम्मत रखते हो तो दोबारा हर दिन माला लेके जाना। उसने कहा मैं तो नहीं करूंगा अभी, एक बार हुआ बहुत, एक करो तो करके देखो। फिर वो हिम्मतवार आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था, उसने फिर वही कोशिश की, हर दिन लेकर गया। और हुआ क्या कि घर में दो बच्चे थे, एक 10 साल की लड़की थी और कुछ छोटा सा लड़का था। तो लड़की सब देख रही थी क्या हो रहा था, बच्चे भी देख रहे थे क्या हो रहा है, वातावरण से तो वो भी काफी गुमसुम हो गए थे, बात नहीं कर रहे थे। तो जैसे ही एक 5-6 दिन के बाद वो माला लेकर आया, उसने गजरा कहते वो रख दिया वहां पर, और वो जैसे ही बात करने के लिए उसने मुंह खोला, उसकी बीबी ने, ये लड़की तुरंत बोली, अरे माँ तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है, डैडी इतने प्यार से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हर दिन तुम्हारे लिए गजरा ला रहे हैं, तुम इतनी भी समझ नहीं रखती क्या? अब बच्ची के बात समझने के बाद उसकी जो मानसिक अवस्था थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई, वो तुरंत रोने लगी और रोते रोते फिर बाहर गई। हाँ दोनों ने एक दूसरे से क्षमा याचना की और उनका झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो गया, हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि गलतियां उल्टी सीधी होती है, लेकिन एक दूसरे को समझना जरूरी है और समझदारी में हमारा रवैया जो है तो कुशल होना जरूरी है। बस इन दो चीजों की तरफ हम अगर ध्यान देते हैं तो घर में भी जो मनमुटाव के प्रसंग आते हैं, कुछ गलत बातें होती हैं, बर्ताव गलत होता है, बोलना गलत होता है, कुछ ना कुछ गलतियां होती है, अनजानी भी होती है, तो उस वक्त इस तरह से खुद को संवरना जरूरी है और एक दूसरे को समझना जरूरी है। और दूसरी बात ध्यान में रखनी है, अगर वो क्षण जब वो घटना घटित होती है तो चेतावनी पूर्ण होता है, जैसे आग लगी है चेतावनी पूर्ण है, तो ऐसे ज्वलंत अवस्थिति में आप विषय को आगे नहीं बढ़ाना, वहीं पर रुक जाना, चुप्पी साधना, और ये सब शांत हो जाने के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन हल्की सी इस विषय को रीओपन करना और आपस में सही ढंग से वार्तालाप करते हुए उसको खत्म कर देना। तो ये तरीका है, तो किसी भी घर में कोई झगड़े नहीं रहेंगे, कोई विवाद नहीं रहेंगे, विश्वास बने रहना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए बुद्ध ने कहा है विश्वासा परमा याति, कि मनुष्य मात्र में सबसे बड़ा नाता अगर कौन सा है तो आपसी विश्वास का नाता है। अगर ये विश्वास का नाता टूट गया तो सब कुछ टूट गया,
अगर इस विश्वास के नाते को आप किसी भी हालत में जताया तो कोई हानि होने वाली नहीं, कुछ भी टूटने वाला नहीं है। तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। जी 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 बंते जी, बहुत बहुत साधुवाद। ये आपने जो घर की लड़ाई के बारे में जो एक बहुत सटीक एग्जांपल दिया, एक घर घर की कहानी है। हाँ, वानखड़े जी ने लगता है बहुत सारे गजरे खरीदे ऐसा लग रहा है। सर फैक्ट है सर, ये मेरे घर का फैक्ट है। मैं जब ट्रेनिंग में था बड़ौदा, तो बड़ौदा से अहमदाबाद में रोज गजरा लेके। ओके ओके ठीक है ठीक है। ओके अच्छा, हमारे मित्र है पोरबंदर से मिस्टर जे जे जोगड़िया जी। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए और बात करिए जोगड़िया जी। इसमें मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर है ना? हाँ, वो पोरबंदर में गुजरात सरकार, गुजरात पुलिस। हाँ बोलिए जोगड़िया जी। जी वंदा मी, जय भीम, नमो बुधाय। मैं बात ये रखना चाहता हूँ बंते जी के हमारे संघ को या संघ के भंते को बढ़ावा देना चाहिए। मैं गुजरात में सिर्फ एक या दो भंते हैं, इसकी वजह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रचार बहुत कम होता है और हमारे जो लोग गांव में रहते हैं उन तक बुद्धिज्म या बाबा साहब भगवान बुद्ध की बात बहुत कम होती है। तो संघ को कैसे बढ़ाया जाए या संघ के भंते को कैसे हम बता सके कि भाई हम आप परिभ्रमण कीजिए। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही टाइमली है, समय पर पूछा जा रहा है। इसके लिए क्या है कि भिक्षु संघ की एक प्रशिक्षण प्रणाली होती है और ये प्रशिक्षण सेमिनरी में होता है या जिसे मोनेस्ट्री कहते हैं बुद्ध विहार में, एक प्रशिक्षित आचार्य के हाथ के नीचे उनको प्रशिक्षण लेना पड़ता है। भारत की आज की स्थिति ऐसी है बाबा साहब के धर्मांतरण के बाद, यहाँ भिक्षुओं को प्रशिक्षित करने की कोई सुविधा पैदा नहीं हुई, सेमिनरी पैदा नहीं हुई, जो बाबा साहब 1954 में बनवाना चाहते थे इसी कारण के लिए कि प्रचारक सक्षम होने चाहिए। अगर उनको ये धम्म ठीक से नहीं मालूम हुआ तो क्या लोगों को सिखाएंगे, तो गलतियां होंगी, कम ज्यादा हो गए, लोग नाराज होंगे और फिर बदनामी भी करेंगे। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने अभी जो सेमिनरी बनवा रहे हैं, और इससे पहले हमने प्रशिक्षण शुरू भी किया था, नागपुर में वो चल रहा था, ये पैंडेमिक की वजह से वो बंद हुआ है, तो अब यहाँ दोबारा शुरू करेंगे। तो इसमें हमने ये सुविधा रखी है कि जिन लोगों को लगता है कि हमने धम्म प्रचार के लिए समय देना चाहिए, जो पूरा समय देना चाहते वो मेरे पास आए, जिनको लगता है कि नहीं कुछ समय देंगे, तो मैं चाहता हूँ कि अपने अपने जीवन के कुछ बरस जो हैं वो धम्म प्रचार के लिए दान दीजिए। संपत्ति नहीं, कोई धन दौलत नहीं, अपने खुद के जीवन के आयु के दो चार साल दान दीजिए और हमारे पास आ जाइए। एक साल में हमको पूरा प्रशिक्षण देने के जो जरूरी है, अत्यावश्यक प्रशिक्षण है, आपको श्रामनेर बनाएंगे, ये प्रशिक्षण देंगे कि भिक्षु जीवन कैसे होता है, धर्म क्या होता है, कैसी शिक्षा देनी पड़ती है, लोगों को कैसे सिखाना पड़ता है, कैसे समझाना पड़ता है, उनके साथ एक रूप कैसे होना पड़ता है वगैरह वगैरह। और फिर आपको भिक्षु बनाएंगे, या तो थाईलैंड में ले जाएंगे या श्रीलंका में ले जाएंगे या बर्मा में ले जाएंगे। और भिक्षु की दीक्षा पाने के बाद आपने जो शिक्षा ग्रहण की है यहाँ पर सेमिनरी में, उसी के अनुसार आप जिस एरिया में जितना समय काम करता है करना चाहते उतना समय काम करें, एक साल करें, दो साल करें, उसके बाद आप फिर अपने वस्त्र उतार कर गृहस्थ जीवन में वापस जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से प्रशिक्षित होने के बाद अगर हमने ये प्रयास किया तो ढेर सारी बस्तियों को हम बदल डालेंगे, ढेर सारे लोगों में परिवर्तन लाएंगे, उनसे मित्रता स्थापित होगी, आत्मीयता स्थापित होगी, ये हम पर विश्वास करेंगे और उनको सही ज्ञान देने का ये काम भी पूरा होगा। तो इस तरह से प्रचार प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। लगता है कि हमेशा के लिए भिक्षु बनने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन इस कमी को दूर करने का ये उपाय बाबा साहब ने स्वयं सोचा था कि जो उपासक है उनको भी इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए और भिक्षु हैं उनको भी इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए। इसमें हमने एक ही ज्यादा बात जोड़ी है, वो ये है कि कुछ वर्षों के लिए हर आदमी भिक्षु बन सकता है, दो चार साल भिक्षु बने रहना कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उस दौरान भी वो बहुत सारी सेवा कर सकते हैं, सच्चाई लोगों के जीवन में ला सकते हैं और समाज को जोड़ सकते हैं। तो ये मानव सेवा है, सबसे बेहतरीन मानव सेवा है। और बाबा साहब ने 1950 में
महाबुद्धि सोसाइटी के जर्नल में जो आर्टिकल लिखा था बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ रिलीजन, उसमें ये बात उन्होंने लिखी है कि मानव बुद्ध धर्म का इससे बेहतरीन मानव सेवा दूसरी नहीं है। तो उसी बात को उठाकर मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोगों को प्रेरित करें कि दो चार साल के लिए भिक्षु बने और इस मानव सेवा को अपना जीवन अर्पित करें, जिससे अपना भी कल्याण होगा और औरों का भी कल्याण होगा। तो इस तरह से हम इस प्राप्त परिस्थिति में बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। और आखिरी बात तो ये है कि आज के जमाने में ढेर सारे पिछड़े जाति वर्ग के लोग बुद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए हैं। केवल पिछड़े जाति वर्ग के ही नहीं, लेकिन सभी हिंदू समाज के उच्च वर्ण के भी बहुत सारे लोग बुद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट हुए हैं। आप जरूरत है उनको सही ढंग से सिखाने की, प्रचार प्रसार करने की और ये करने की क्षमता रखने वाले भिक्षुओं का हम निर्माण नहीं कर पाए हैं। आजकल भिक्षु कई दीक्षा लेते हैं और जो हम उनकी पढ़ाई लिखाई होती है उसके बल पर प्रचार करते रहते हैं, तो प्रत्यक्षात उनका न अनुभव होता है और न प्रचार प्रसार की खूबियां उनको मालूम होती है, क्योंकि वो प्रशिक्षण उनको नहीं मिलता है। तो इस तरह से इन बातों के ध्यान में रखते हुए हमने इस योजना को अपनाया है और जो हमने 1918 में शुरू कर दी उसमें कुछ लोग प्रशिक्षित हो गए और अभी भी ये प्रशिक्षण का काम जो सेमिनरी बन रही है वहाँ पर बड़े जोर से होगा। मेरी चाहत है कि पूरे देश में अलग अलग गुजरात से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, राजस्थान से आए, हर जगह से लोग आएंगे और यहाँ पढ़ाई करेंगे और अपने गांव में अपने इलाके में जाकर एक दो साल भी काम करेंगे तो कितना काम होगा, समाज जुड़ जाएगा, लोग एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, एकता प्रस्थापित होगी, एकता प्रस्थापित होगी तो हमारा सहयोग होगा, एक दूसरे की सहायता करेंगे, हमारा योगदान एकत्रित होगा, तो उससे बड़े बड़े काम जो है तो साकार हो सकते हैं। तो कल्याणकारी काम करने का ये बहुत ही आसान तरीका है और इसका लाभ बहुत सारे लोगों ने उठाना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैं चाहता हूँ 1,00,000 लोगों को तैयार करो ये प्रशिक्षण देकर, ताकि वो पूरे भारत में सही ढंग से प्रचार प्रसार कर पाए। अब जीते जी होता है या नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन ये तो ख्वाहिश है, ये महत्वाकांक्षा है कि इतना करना है। ठीक है, ओके। हाँ जोगड़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। जैसे बंता जी ने कहा कि ये लोनावाला है ना, पुणे के पास, मुंबई और पुणे के बीच में लोनावाला लाता है, तो वहाँ से करजत करके एक जगह है करजत, और वहाँ पे कुंडाने केव्स है, मतलब बुद्धकालीन केव्स है वहाँ पे, और बहुत सुंदर केव्स है। तो वो इतना निसर्ग रम्य वो स्थल है जहाँ पे भंते जी के मार्गदर्शन में एक जो टीम बनी है उन लोगों ने वहाँ लैंड परचेस की है और वहाँ पे सेमिनरी का जो कार्य है, निर्माण कार्य, वो अभी शुरू होने वाला है। वो शुरू होने वाला था पिछले मार्च अप्रैल में, बाकी वो लॉकडाउन की वजह से वो डिले हो गया, तो अभी नेक्स्ट मंथ से शायद वो रिस्टार्ट होने वाला है। तो इस माध्यम से जो भी हमारे साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, क्योंकि भंते जी ने अभी बता दिया कि सेमिनरी की क्या आवश्यकता है, व्हाई सेमिनरी इज रिक्वायर्ड, प्रशिक्षण की क्यों जरूरत है, उनको ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग इन इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन सोशल सिस्टम, इंडियन कल्चरल सिस्टम, ये सब जिसको नॉलेज है वो वही प्रशिक्षण, जो प्रशिक्षित जो बनते हैं भिक्खू है, वो समाज में जाकर फिर लोगों को सही ढंग से बुद्धिज्म की शिक्षा दे सकते हैं, है ना, सही तरीके से। उसमें कर्म कांड और बाकी जो चीजें हैं ढकोसले उसकी कोई उसमें जरूरत नहीं है, ये तो शुद्ध तथागत का धम्म है, वो शुद्ध एक मार्ग है ना। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम सब लोगों ने इसमें आगे आने की जरूरत है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या जो भी बिजनेसमैन है या जो भी कोई और भी कोई काम करते हैं, तो उनको जितना हो सकता है अपने अपने जो भी सेविंग्स है उसमें से थोड़ा सा अगर इसमें दान अगर हम करते हैं, सभी लोग इसमें हाथ बढ़ाते हैं, तो ये जो महान कार्य है ये सेमिनरी का, ये जल्द से जल्द पूरा होगा। और एक चीज़ हम बताएं, इसमें BPCL, HPCL, ONGC और बाकी भी जितने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के और गुजरात से हमारे रेलवे के फ्रेंड सर्कल है, उसमें वानखेड़े जी है और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम अभी लेना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी लोग जुड़े हुए, उन सब ने
इसमें मदद की है, और वो किसी ने 1000 पर मंथ के हिसाब से कंटिन्यूसली वो मदद कर रहे हैं, कोई 500 रुपया कर रहा है, कोई 2000 कर रहा है, कुछ कुछ जो दायक है उन्होंने तो 1 लाख रुपए ऑलरेडी डोनेट कर दिया है, तो ऐसे भी लोग हैं। तो जितनी अपनी शक्ति है, क्षमता है, इच्छा है, श्रद्धा है, उसके हिसाब से हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा अगर कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि कलेक्टिव कैपेसिटी हमारे समाज की बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत तगड़ी है। इंडिविजुअली हो सकता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी कलेक्टिवली हम वी कैन डू वंडर्स। तो यही उद्देश्य सामने रखे हुए ये सेमिनरी का कार्य करजत में चालू है, और नेक्स्ट मंथ जब ये सारा नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो लेट अस होप कि वो वैक्सीन जल्दी आ जाए, सबको वैक्सीन लग जाए, उसके बाद में हम लोग एक ट्रिप निकालने वाले हैं वहाँ पे, और जितने भी लोग हैं गुजरात से आप आइए, एक बस लेके आइए, हम यहाँ से आएंगे, पुणे से, नागपुर से, और वहाँ पे हम लोग एक गेट टुगेदर करेंगे, ताकि वो प्रत्यक्ष रूप से हमको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। भंते जी भी वहाँ रहेंगे, बाकी सारे टीम वहाँ रहेगी, इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ फैमिली गेट टुगेदर ऑफ बुद्धिस्ट उपासक एंड उपासिकाएं, और जो इंक्लिनेशन, जो अभी बुद्धिस्ट नहीं है बाकी इंक्लिनेशन उनका है, दे आर ऑल्सो वेलकम, है ना, प्रो बुद्धिस्ट जिसको हम कहते हैं, जो धम्म को, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनको भी हम वहां लेके जाएंगे और उनको दिखाएंगे कि यार दिस इज द प्लेस वेयर द सेमिनरी वर्क इज गोइंग ऑन, और उससे एक ऊर्जा मिलेगी, उससे एक प्रेरणा मिलेगी, और उससे ये जो कार्य है, निर्माण कार्य है, उसमें और मोमेंटम मिलेगा, उसमें और गति मिलेगी। तो साथियों, ये बंते जी तो खुद नहीं बोलते हैं वो दाम देने के लिए, वो दाम पारमिता का महत्व जरूर बताते हैं, बाकी वो कभी कभी खुद होके कभी किसी को बोलते नहीं है। आज तक इतने सालों से मैं बंते जी को, बंते जी के संपर्क में हूँ, कभी बंते जी ने अपने मुंह से कभी दान के बारे में बात नहीं की मेरे से कि उनको ये काम है, वो काम है, इसके लिए उनको दान चाहिए। नेवर, आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ कि बंते जी ने अपने मुख से कभी ये बात कही है दान के लिए। वो महत्व जरूर समझाते, क्योंकि ये बुद्धिस्ट प्रिंसिपल है ना दान पारमिता का, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो वो तो बंते का कार्य ही है, वो तो ड्यूटी है समझाने की उपासक उपासिकाओं को, तो अमल में लाने की जो जवाबदारी है वो हम लोगों की है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बारे में बड़ी गंभीरता से हम लोग सोचें, और जितना भी हमसे बन पड़ता है उसमें थोड़ा आगे आए, और ये बहुत अच्छा कार्य होगा बाबा साहब का, जो सपनों का जो भारत है वो उसको बनाने के लिए ये सेमिनरी बहुत कारगर साबित होगी, ऐसा हमें लगता है। ओके, थैंक यू वंस अगेन, और मेरे ख्याल से नाउ देर आर नो मोर क्वेश्चंस। लता मैडम, तुम्हारा क्या विचार आता है का? नहीं ना, ओके ठीक है, थैंक यू। जागे जी, मैं विजय पाटिल। हाँ पाटिल साहब, बोला बोला, या गो अहेड। बंते जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ। जैसे एक सृष्टि का नियम है कि एक ही जमीन पर एक ही जमीन है, और उसके आजू बाजू में दो पेड़ लगाते हैं हम लोग, और सबको जमीन सेम है, पानी भी सेम मिल रहा है, उसकी उपासना भी सही हो रही है, तो वो पेड़ एक साथ में वैसे ही मतलब बड़े होंगे। और वैसा आदमी के लाइफ में है क्या कि एक ही परिवार के दो बच्चे हैं और बच्चे के पेरेंट्स सेम है, तो दो बच्चे एक जैसे क्यों नहीं हो सकते? उनके मतलब एक बड़ा ऑफिसर बनता है तो दूसरा नहीं बन पाता है, ऐसा बहुत सारे फैमिलीज में दिखाई देता है, एक लड़का होशियार निकलता है, दूसरा होशियार नहीं निकलता है, या कोई पेरेंट है तो उनको भी लगता है कि दोनों बच्चे अच्छे इसमें जाए, तो ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए मतलब क्या है, सृष्टि के नियम के हिसाब से मुझे इसका ये चाहिए था कि क्यों ऐसा होता है कि जमीन सेम है तो पेड़ सेम होना चाहिए, उसको सेम फल लगना चाहिए, वैसा आपने ह्यूमन बीइंग में होता क्यों नहीं है? ये बिल्कुल सही सवाल है और उसको समझना भी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत क्लिष्ट सवाल है, क्योंकि इसका जो संबंध आता है ये बुद्ध की जो शिक्षा है पुनर्जन्म की, जिसको पुनर्भव कहा है, तो इससे जुड़ा हुआ ये सवाल है। और अविद्या पच्चया संखारा, तो अविद्या के परिणाम चित्त पर क्या होते हैं, और वो परिणाम जो चित्त पर होते हैं वो चित्त ही पुनर्जन्म ग्रहण करने के लिए लायक होता है, इसके लिए उसको विज्ञान कहते हैं। तो अविद्या पच्चया संखार, संखार पच्चया विज्ञान, तो संखार के माने उस चित्त को, और चित्त ये जो कि ठोस वस्तु नहीं है,
ये तो चित्त संतंतिंग है, इसका माने है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ये चढ़ाव उतार वगैरह होते हैं, ये वाइब्रेशंस पैदा होते हैं और इस वाइब्रेशन की आदत बन जाती है उस चित्त को, तो इस आदत को संस्कार कहा गया है। तो अविद्या के वो इस प्रकार के संस्कार होते, परिणाम होते हैं, वो आदत चित्त की बन जाती है और ऐसी आदत बनने वाले चित्त को फिर विज्ञान कहते हैं। और वो विज्ञान जो है वो जन्म ग्रहण करता है, तो जन्म ग्रहण करने का विधि चित्त ऐसा उसको कहा है, एक प्रोसेस्ड कॉन्शियसनेस। तो ये प्रोसेस कॉन्शियसनेस जिसमें तरंगे पैदा हुए और उसका कुछ चाल चलन जो है वो नियमित हुआ है, उसको संचालित हुआ है, प्रभावित हुआ है, तो ऐसे चित्तों को ग्रहण करते हुए पुनर्जन्म होता है। और इसके परिणाम हम देखते हैं कि किसी परिवार में अगर जुड़वा पैदा हुए तो शारीरिक दृष्टि से उनका ये इनहेरिटेंस जो है वो जीन से उनको मिलता है, तो शारीरिक दृष्टि उनमें कुछ समानताएं दिखाई देती हैं, लेकिन मानसिक बल तौर पर वो पूरी तरह से अलग होते हैं। ना तो माँ बाप जैसे उनके स्वभाव होते हैं, ना तो आपस में मिलने जाने में एक जैसे स्वभाव होते हैं। तो इसका कारण क्या है, हर मनुष्य इस तरह से अलग अलग क्यों है, उसकी मानसिकता अलग क्यों है? तो इसका कारण जो है, तो बुद्ध ने इस तरह से दिया है कि इसका कारण है, ये कार्य कारण भाव है, प्रतीति समुत्पाद है, उसकी चित्त की वैसे बनावट हुई है, उस पर ऐसे परिणाम हुए हैं, वो तरंगे उसमें पैदा हुई है और उन तरंगों ने नए जन्म पाया, तो उस स्वभाव को लेकर ही वो जीवन जीते रहेंगे। और क्योंकि उनके पास मन है, ये जानने की क्षमता है, पहचानने की क्षमता है और अपने मन को परिवर्तित करने की भी क्षमता है, ये मनुष्य का सबसे बेहतरीन, सबसे श्रेष्ठ गुण है, उसकी शक्ति है, तो उस शक्ति के बल पर वो इन संस्कारों को मिटा सकता है अभी जीते जी। और वो मिटाने के तौर तरीके यानी बुद्ध की शिक्षा है, अगर इस तरह से उन्होंने उस संस्कारों को मिटा दिया जीते जी, तो पूरी तरह से उस परिणामों से मुक्त होता है और यह लोक में अभी सुखपूर्वक जीता है, सभी पूर्व कर्म जो है उनके होने वाले परिणाम वो प्रवृत्तियां पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तो इस तरह से वो निर्वाण को प्राप्त करता है। तो ये सिर्फ मनुष्य के लिए संभव है, प्राणियों के लिए संभव नहीं है। इसलिए कहा है कि मनुष्य जीवन जो है बड़ा दुर्लभ है। बुद्ध के धर्म में कहा है किच्छो मनुष्य प्रतिलाभ हो, अरे भाई मनुष्य का जीवन प्राप्त होना कितना दुर्लभ है। किच्चंग बच्चानंद जीवितंग, ये मृत्यु परायण जो आदमी है, मरने वाला जो आदमी है, उसका जीवन इस तरह से प्राप्त करना कितना कठिन है। किच्चंग सद्धम्म सेवन, तो ये मृत्यु का जीवन प्राप्त करना, मृत्यु को छोड़कर जीवित रहना दुर्लभ है। उसी तरह सद्धम्म का श्रवण भी दुर्लभ है, मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, मृत्यु दुर्लभ है, मृत्यु से जीवित रहना दुर्लभ है, मृत्यु अवश्य होगी, और सद्धम्म श्रवण करना जीवित है। और इन बातों को देने वाले का बुद्ध का निर्माण होना भी बड़ा कठिन है। तो इस तरह से हमने कठिनाई से जीवन को पाया है, उसका सही ढंग से अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम मनुष्य के नाते पूर्णत्व को प्राप्त जाएंगे, ये बुद्ध की शिक्षा है। तो ये जो स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देता है, इसका मूल कारण बुद्ध ने इस तरह से कहा है और जिसका सोत्र और जगह कहीं मिलता ही नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है बंते जी, धन्यवाद। पटेल साहब हैप्पी नो? यस यस हैप्पी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक ठीक ठीक, ओके। चलिए मेरे ख्याल से अभी हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है ना। और हेलो हेलो, जय भीम जागेश जी। हाँ जय भीम, जय भीम, बोला बोला। वो मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहती हूँ और भंते जी आप मुझे करेक्ट कीजिए कि मतलब मैं कहा गलत हूँ या सही हूँ। तो भंते जी मतलब जागेश जी, अभी एक्चुअली मैं मीडिया से ताल्लुक रखती हूँ, मैं फ्री फ्रे जर्नल में काफी साल मैंने काम किया है और
मैक्स महाराष्ट्र इस पोर्टल की भी मैं वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हूँ, तो मतलब मैं अपना ये प्रोफेशनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि सोसाइटी के सामने मैं जो है तथ्य रखू, जो भी सत्य है तथ्य है वो सबके सामने रखू, तो इसमें मेरा कोई पर्सनल बायस ऐसा कुछ होता नहीं है या किसी के बारे में मुझे कुछ वो पर्सनल मतलब ऐसा बैड वाइब्स या फीलिंग्स ऐसी होती नहीं है। तो मैं जो भी सत्य मुझे पता होता है मेरे इंटरनल रिसोर्सेस के थ्रू और जो भी मेरे रिलायबल रिसोर्सेस होते हैं और मेरे पास प्रूफ होते हैं तभी मैं कोई भी तथ्य सबके सामने रखती हूँ। तो वो मैं वो जब तथ्य रखती हूँ तो मतलब काफी लोगों को इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मैं निगेटिव बात रखती हूँ या निगेटिव बातें करती हूँ। तो मेरा वो वैसा कुछ मतलब मंशा होती नहीं है मेरी। तो एक्चुअली मेरा ये होता है कि सत्य मैं सबके सामने रखूँ, बस यही मेरी कोशिश होती है। तो बंटू जी मतलब आप मुझे बताइए कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। सही है, सही है, आपका सही है, आपका सही है। आपने बिल्कुल सही बात कही है और ये स्पष्टवादिता बहुत ही मायने रखती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जाते है किसी एक बात में कहना चाहूंगा, बुद्ध धर्म में इस तरह से कहा है कि सत्य तो हमेशा बोलना ही चाहिए, लेकिन उसमें कुछ शर्तें भी लगाई हैं जिसको सम्यक वाचा कहते हैं। तो सम्यक वाचा के अधीन होकर किसी का अपमान हो, किसी को बुरा लगे या हम दुर्वचन कहे, इसे सावधान रहना चाहिए। फिर हम कहते हैं कि चुगली करना, ये चुगली जैसा परिणाम अगर निकलता है तो उससे भी सावधान रहे। और फिर जो है क्रोध से बात करना है, कठोरता से बात करना है, तो इनसे के बारे में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए बुद्धिज्म में कहा है सत्यम ब्रूयात, यानी सत्य बात करो, लेकिन प्रियम ब्रूयात, प्रिय लगे इस तरह से बात करो। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अगर सत्य भी हो तो अप्रिय लगे, बुरा लगे, इस ढंग से मत कहो। अब इस पर काबू करना बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल है, लेकिन इन बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर हमने व्यवहार किया तो बुरे नतीजे कम होंगे। लोग जो बुरा मानते हैं वो बुरा मानने की उनकी आदत कमजोर हो जाएगी, वो फिर देख पाएंगे अरे उन्होंने तो सही बात सही ढंग से कही, अभी इसको बुरा कैसे कहे, कबूल भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप विजित होते हैं और बुराई है जो है कमजोर हो जाती है। ठीक है, ठीक है मैडम। साधु साधु साधु, बहुत बहुत सही। सत्य वचन तो बोलना है, बाकी उसको मीठे मीठे लहजे में बोलना है। ये बात आपको हम सबको ध्यान में रखने की जरूरत है। किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना है, वो बोलना है सत्य, बात सही है, बाकी द्वेष मूलक जो हम लोग बातें करते हैं वो नहीं रखना है। और किसी को हर एक को एक सेकंड चांस लाइफ में मिलता है सुधरने का, उसको मौका देना चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, इट वाज रियली वेरी वेरी नाइस डिस्कशन टुडे। और बहुत सारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं हमने बंतेजी जी की प्रैक्टिकल, इवन जो घर में जो झगड़े होते हैं उसका क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में भी हमने बंतेजी ने बहुत सही आज सॉल्यूशन दिया है। तो लेट अस होप कि ये जो जो मंत्र दिया है, एक उदाहरण दिया है बंतेजी ने, उसका जरूरत पड़ने पर सभी लोग उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ गौतम जी, ध्यान में रखिएगा। हाँ ओके, थैंक यू। चलिए कार्यक्रम, हाँ या अभी कार्यक्रम के अंत में हम लोग धम्मपालन गाथा का सामूहिक रूप से पाठ करेंगे। और मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए धम्मपालन गाथा जो है वो स्क्रीन में भी मैं रखना चाहता हूँ, सो दैट कि वो आप लोग उसको देख ले और उसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसको कंठस्थ कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक कोई भी कार्यक्रम होता है हमारा धम्म का ना, तो उसमें धम्म पालन गाथा का पाठ करना बहुत जरूरी होता है ना। रिमाइंडर है बेसिकली कि हमको कैसा पालन करना है और हमको कैसा, वो रिमाइंडर टाइप का है धम्म पालन गाथा, कि हम ये रिजॉल्व करते हैं कि हम लोग ऐसा व्यवहार करेंगे, या दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज बुद्धिज्म इज कंसर्न। या तो सामूहिक रूप से हाथ जोड़ लीजिए सब लोग और साथ में सामूहिक रूप से कहेंगे हाँ कैप्टन साहब, अपने कर्नल साहब, या यस सर, या गो अहेड गो अहेड। सब पाप अकारणं कुशलस्य
चित परियो दपन्नं इतं बुद्धानुशासनं धम्मं चरेषु चरितं नतं दुश्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेहि अस्मिन् लोके परं च यतावता धर्मधर्मो यावता बहुपासति यो जम्पि सत्त्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो धम्मं नपमचति नति मे शरणं नयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नति मे शरणं नयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नति मे शरणं नयं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् साधु 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 बुद्धं नमः तो सामूहिक रूप से हमने धम्म पालन गाथा का पाठ किया। मैंने बताया कि धम्म पालन गाथा जो है रिमाइंडर है कि हम कुशल कर्म करें, अच्छा सिर्फ बोलने से नहीं होगा, वो प्रैक्टिकली वो करे, यही उसका मीनिंग है। और हमारा जो शरण है वो बुद्ध धम्म और संघ है, ये इसका मीनिंग है, शॉर्ट में ब्रीफ में मैंने बताया है। तो साथियों विद दिस होप कि अगले हफ्ते हम लोग वापस पारमिता के ऊपर हम भंते जी से देशना सुनेंगे। 10 पारमिता क्या है, उसका क्या महत्व है धम्म में, और वो कैसे हमको प्रैक्टिकली उसको फॉलो करना है, तो ये विषय रहेगा पारमिता का। और भंते जी को हम निवेदन करेंगे कि भंते जी आपने अगस्त महीने से आप हमारे साथ जुड़े, ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए हैं, तो अभी 3-4 और विषय है, तब तक हम लेट अस कंप्लीट ऑल दीज सब्जेक्ट्स नो, तो उसके बाद में फिर ये कार्यक्रम जो है हमारा वेबिनार का हम लोग इसको समाप्त करेंगे। तो बहुत बहुत सोमकोर साहब, एक चीज मैं बोलना भूल गया। हाँ बोलिए। मैं भंते जी वंदामी भंते जी आपने जी को मैं 28 तारीख का नाला सोपारा के कार्यक्रम को आमंत्रित में भेज दिया है। मैं सबके सामने भंते जी को आपको आमंत्रण दे रहा हूँ भंते जी कि आप 28 तारीख को नाला सोपारा में आप आइए और आपका हम स्वागत करेंगे भंते जी, और हमें आप अवगत करिए। सोमकर साहब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो कर्नल बर्वे साहब जो है जनरल मैनेजर बीपीसीएल में, हमारे बहुत ही श्रद्धावान उपासक है, हमारे मित्र है, अजीज मित्र है, वो रिटायर हो रहे हैं इस महीने दिसंबर में। बाकी रिटायरमेंट के बाद बर्वे साहब को समय ही समय है, पूरा टाइम जो है वो सेमिनरी काम में वो देने वाले हैं, उन्होंने ऑलरेडी रिजॉल्व किया हुआ है, तो इसको बहुत फायदा होगा सेमिनरी काम को।
इसके लिए कार्य जो उनके उनके मार्गदर्शन में या कहिए उनके सहयोग से ये काम में और मोमेंटम मिलेगा और अच्छा हम लोग कर पाएंगे। तो आप एडवांस में बर्वे साहब पहले तो हमारी ओर से मंगल कामनाएं आप ग्रहण कीजिए कि आपका जो 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 आने वाला जो सेकंड इनिंग्स है आपका लाइफ का आपके है ना वो बहुत शांति से गुजरे, बहुत स्वस्थता से गुजरे, आप और धम्म कार्य में लीन हो और हमारे लोगों का और भी मार्गदर्शन करते रहे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑल एवरीबॉडी एंड सी यू नेक्स्ट वीक। जय भीम, जय भीम, वंदा भी बनते, वंदा भी, वंदा भी, वंदा भी बनते जी। ओके, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैत्री भावना ठेवा सगड़ांनी, मैत्री भावना मनात ठेवा। ओके, या ओके।